बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज के लेक्चर में मैं कुछ यूनिक आपको टीच करूँगी। मैं डिस्कवरिंग करूँगी कंप्यूटर्स की 2020 की, जो कि लिविंग इन ए डिजिटल वर्ल्ड वे हैं। तो हम समरी करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की। तो चलो स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी मेरे साथ रहे और इस लेक्चर को एंजॉय भी साथ में करते रहे। तो चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे और आपको फर्स्ट में इस ओके स्टूडेंट। तो अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आज की लेक्चर की ऑब्जेक्टिव, के आज के लेक्चर में से हम क्या क्या ऑब्जेक्टिव लेंगे, क्या क्या चीज़ें जो मेन होगी जिसको आपको समझाऊंगी मैं, सही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और आज की इस लेक्चर की ऑब्जेक्टिव को पहले डिस्कस करते हैं कि हम इसको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकॉग्नाइज करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ द कंप्यूटर लिटरेसी को करेंगे कि हमारे पास कंप्यूटर की इम्पॉर्टेंस क्या है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और इसकी हमारे पास आजकल के दौर में सारे क्या क्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो रिकॉग्नाइज करेंगे। इसके बाद जो है ना, हम डिफाइन करेंगे कंप्यूटर्स को, कंप्यूटर क्या होता है, और आइडेंटिफाई करेंगे इसकी एक एक पार्ट्स को, इसके मेजर कंपोनेंट को, एज अ होल सारे कंपोनेंट्स को, कि किस चीज़ से हमारे पास ये कंप्यूटर बना है, किस तरह होता है, क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें हम क्या करें आइडेंटिफाई भी करेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको समझाऊंगी भी कि हमारे पास ये क्या है और इसका काम क्या होता है। इसके बाद जो हम करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को करेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होता है आप लोग ऑलरेडी जानते हो, इसके हमारे पास जो टाइप्स होते हैं तो उसको हम ज़रा डिटेल में क्या करेंगे डिस्कस भी करेंगे और आपको मैं आइडेंटिफाई भी कराऊंगी। अच्छा, इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाई ए कंप्यूटर इज़ ए पावरफुल टूल, कि कंप्यूटर हमारे पास क्या ऐसी वजह है कि ये बहुत ही पावरफुल टूल है, सारे लोग लोगों को इसी कंप्यूटर ने पागल किया है, सारे लोग बाकी चीज़ों को छोड़ा है और सिर्फ कंप्यूटर पर डिपेंड करता है और अपनी सारे उनकी जो सक्सेस होती है उसका जो है ना इस कंप्यूटर पर डिपेंड करता है, कि मतलब उसकी जो सक्सेस है उसका जो की फोन है हमारे पास ये कंप्यूटर है, मीन सारे काम, सारे जो बड़े ही हमारे पास सेंसिटिव काम होते हैं, जो भी हो मुश्किल काम होते हैं वो सारे इसी कंप्यूटर के थ्रू करेंगे। तो कंप्यूटर हमारे पास क्या कैसे, मतलब किस तरह हमारे पास एक पावरफुल टूल है, इसको हम ज़रा डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है ना हम डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कैटेगरीज ऑफ द कंप्यूटर को। आपको तो कंप्यूटर एक कंप्यूटर नज़र आ रहा है, लेकिन हमारे पास ये जो है ना विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, विद रिस्पेक्ट टू स्पीड एंड साइज की बात कर ले हम, अगर विद रिस्पेक्ट टू इसके पर्पज़ की बात कर ले, या हम इसको की विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर की बात करें, ये सारी चीज़ों के लिहाज से अगर हम कंप्यूटर को देख लें तो फिर हमारे पास कंप्यूटर को हमने बहुत ही और टाइप में डिवाइड किया है। तो उनके क्या क्या कैटेगरीज हैं, इन सारों को हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। अच्छा, इसके अलावा हम रिकॉग्नाइज करेंगे द पर्पस ऑफ ए नेटवर्क, हम नेटवर्क को अंडरस्टैंड करेंगे कि असल में नेटवर्क होता क्या है, कितने टाइप्स हैं हमारे पास, या इसको हम किन मकसद के लिए यूज़ करते हैं, तो वो रिकॉग्नाइज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास है कि डिटरमाइन करेंगे हाउ द एलिमेंट्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटरैक्ट, कि किस तरह हमारे पास इसके जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिससे हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम ये एक दूसरे के साथ क्या किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करता है, तो ये ज़रा हम एक्सप्लेन करेंगे विद डायग्राम के थ्रू, किसी और फिक्चर के थ्रू, बहुत सारे जरिए ढूंढेंगे और आपको ये सारी चीज़ें मैं रिकॉग्नाइज भी करूँगी, समझाऊँगी भी और इसके वर्क्स के रिलेटेड भी बताऊँगी कि इसका अहम काम क्या होता है। अच्छा, इसके बाद जो है ना हम जो डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ द इंटरनेट, कि हमारे पास पहले तो डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इंटरनेट क्या होता है, या हमारे पास इसका मकासद क्या होता है, या इसका हमारे पास जो यूजेस है इंटरनेट का, तो उसको हम ज़रा डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। एंड द वर्ल्ड वाइड वेब, जिस तरह आप लोग जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब हमारे पास कम्बिनेशन है, कि इस चीज़ का ये हमारे पास कम्बिनेशन मतलब शॉर्टकट अगर इसको
डिफाइन करें तो हमारे पास ये है www, और ये www जो है ना स्टैंड करता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो होता ये क्या है, इसका काम क्या होता है, इंटरनेट के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, और इसको हम किस कामों के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल के साथ। तो आई होप ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे इस लेक्चर को, आप मतलब स्टडी करेंगे इस पर को, आप अंडरस्टैंड करेंगे, तो आई होप आपको सारा कंप्यूटर का जो बेसिक है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा इसी एक वीडियो से। अच्छा, इसके बाद जो है ना हम आइडेंटिफाई करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और यूज़र के। हम क्या चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास जो मुख्तलिफ कंप्यूटर यूज़र के टाइप्स है, कंप्यूटर के जो कैटेगरी हो तो और बात है ना, अभी हम कंप्यूटर यूज़र की बात कर रहे हैं, से उसकी टाइप्स की हम बात करेंगे कि हमारे पास कंप्यूटर के जो यूज़र है वो कितने टाइप्स के हैं, कि वो यूज़र जो है ना होम वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, एजुकेशन रिलेटेड है, इंटरटेनमेंट रिलेटेड है, किस चीज़ के रिलेटेड है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना हम आपको आइडेंटिफाई भी करेंगे, आपके साथ डिस्कस भी करेंगे, सही है, कि हमारे पास जो यूज़र कंप्यूटर यूज़र होते हैं इसके कितने कितने टाइप्स हैं, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हम रिकॉग्नाइज करेंगे डिफरेंस बिटवीन द इंस्टॉलिंग एंड रनिंग ए प्रोग्राम। क्या चीज़ रिकॉग्नाइज करेंगे डिफरेंस इन दोनों में करेंगे, इंस्टॉलिंग एंड रनिंग, इंस्टॉलेशन की बात कर रहे कि हम जिस तरह एक प्रोग्राम को कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर में मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, वो कौन सा प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है, वो किस तरह होता है, ये सारे काम मैं आपको रिकॉग्नाइज करूँगी, क्लियर है, कि इस तरह हम इसको इंस्टॉल करते हैं, और जब आप इस काम को इंस्टॉल करते हो, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन करते हो, फिर उस पर आप किस तरह काम करते हो, या आप उस पर कोई प्रोग्राम किस तरह रनिंग करते हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको समझाऊँगी भी, और आपको मैं रिकॉग्नाइज भी करूँगी कि आया ये चीज़ ये है, और इस तरह इंस्टॉलेशन होती है, इस तरह हमारे पास ये कोई प्रोग्राम जो है ना इस तरह रनिंग में होते, क्लियर है, तो ये करेंगे। और फिर लास्ट में जिन चीज़ को मैं डिस्कस करूँगी वो मेरे पास जो है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड सोसाइटी, मीन के कंप्यूटर आप लोग जानते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मशीन है जो क्या करता है, हमारे पास कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो हमारे पास मैथमेटिकल हो, लॉजिकल हो, इसके अलावा हमारे पास स्टोरिंग का कोई काम हो, या बाकी कोई किसी किस्म का काम हो, वो सारे जो कैलकुलेट करता है उसी मशीन को हम कंप्यूटर कहेंगे, सही है। तो अब उनके हमारे पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हम कहते हैं यूजेस को, इसके इस्तेमालात को, इम्पोर्टेंस को, कि कंप्यूटर के हमारे पास क्या इस्तेमालात है, किन किन मकासद के लिए हम यूज़ करते हैं, और कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। एंड सोसाइटी का मतलब है कि हमारे पास जो माशरा है इसमें हम इस कंप्यूटर को कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, किन किन मकासद के लिए यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन इसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारे चीज़ें जो है ना हम इस लेक्चर्स में डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए तो आपका कुछ माइंड बन गया होगा। अब इसी फॉर्मेट को मैं लूँगी, एक एक को मैं डिफाइन करूँगी, तो आपके लिए सारा कंप्यूटर के रिलेटेड जितना भी बेसिक है आई होप आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा, समझ तो आ गए ना। अभी मैंने आपके साथ अभी मैं डिटेल पर नहीं गई हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं सिर्फ इस कोर्स का, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैंने एक ही बस पेज पर रखा है कि आया मैं इसमें ये चीज़ जो है ना आपके साथ डिस्कस करूँगी। हमने इसी तरह इस कामों को दिखाना भी है, समझाना भी है, ये सारा कुछ मैंने आपको कराना है। तो आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय भी करेंगे और इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे, और आपके दिमाग में एक हाका बैठ गया है कि हमारे पास अभी कंप्यूटर के बारे में आप कुछ नहीं जानते, सिर्फ आपको मैंने एक हाका बता दिया, तो आपके जहन में एक
एक लाइन बन गया है, माइंड सेटअप हो गया है, कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, तो अभी आगे इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए कोई भी वो इशू नहीं होगा और आपको ये चीज़ें सारी समझ आ जाएगी। सही है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और इसमें मैं क्या करूँगी, आपको ये सारे स्टेप जो अभी मैंने आपको एक एक थोड़ा वो कर दिया, शॉर्टकट ली, तो उसको मैं आपके साथ क्या करूँगी, डिस्कस करूँगी डिटेल के साथ। और आपको अगर इसमें कोई इशू आ रहा है या कुछ हो और चीज़ हो तो आप जो है ना मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको कहाँ पर इशू आ रहा है। सही है, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं और आपको मैं कुछ और टॉपिक जो है ना, ये सारे टॉपिक जो है ना डिटेल के साथ समझाऊंगी कि किस तरह जो है ना आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को सारे खुलासा किस तरह करेंगे आज, क्योंकि इस लेक्चर में हम सारा खुलासा कर रहे हैं ना, तो ये टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और आपको क्लियर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक को, एक एक जो स्लाइड है उसको हम ज़रा डिफाइन करेंगे डिटेल के साथ। सही है, तो फर्स्ट वन हमारे पास ए वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। सही है, व्हाट इज कंप्यूटर लिटरेसी, असल में कंप्यूटर लिटरेसी होती क्या है, बहुत आप लोग सुनते हो बोलते हो लेकिन होती क्या है, तो क्या है इसका डिफिनेशन, के नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर एंड देयर यूज, कि हम क्या कर सके, कंप्यूटर की नॉलेज अपने पास रख सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। सही है, ये हमें समझ आ जाए, ये हमारे पास कंप्यूटर लिटरेसी होती है। फिर कंप्यूटर और एवरीवेयर, दुनिया में हर जगह पर आप देख ले, आजकल इस डिजिटल लाइफ में सारा डिपेंड जो हमारे पास है वो कंप्यूटर पर है, तो मीन एवरीवेयर इस कंप्यूटर हमारे पास मौजूद हैं एंड यूजेस भी हो रहा है। ओके, तो आगे जाएंगे और आगे कुछ और टॉपिक को, इसके बेसिक को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ ए कंप्यूटर, कि हमारे पास कंप्यूटर क्या होता है एंड हाउ इज़ ए कंप्यूटर डिफाइंड, कि हम कंप्यूटर को डिफाइन किस तरह करेंगे, तो इसके डिफिनीशन पर ज़रा आएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर इन इट्स ओन मेमोरी, कंप्यूटर की जो अपनी मेमोरी होती है, सही है, उसमें जो कंट्रोल हमारे पास कंट्रोल अंडर द कंट्रोल होती है इंस्ट्रक्शन और स्टोर होती है उसकी ऑन मेमोरी में, और जो डिवाइस होता है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उसको जो हम ऑपरेटिंग करते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि हमारे पास किस इंस्ट्रक्शन के थ्रू करेंगे, जो हमारे पास कंप्यूटर की अपनी मेमोरी में स्टोर होते, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कंप्यूटर कहलाएगा। क्लियर है, अच्छा इसको ज़रा आगे हम और भी डिटेल में जाएंगे कि द कंप्यूटर क्या कहता है, फर्स्ट एक्सेप्ट डेटा सच इज रा पिक्स, यहाँ हमारे पास क्या हो गए, यहाँ हमारे पास जो रा पिक्स है ये हमारे पास डेटा हो गया। क्लियर है ना, आप लोगों को पता है डेटा हमारे पास क्या है, रा फैक्ट्स एंड फिगर होता है। अच्छा, तो जो कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, बिजली से चलने वाला डिवाइस तो है जो ऑपरेट करता है, इसकी जो अपनी मेमोरी में इंस्ट्रक्शन होती है उसी के मुताबिक उसी के हुक्म से ये सारे काम को तो परफॉर्म करता है। बेसिकली कंप्यूटर हमारे पास बस एक डब्बा है, सही है, फिजिकल एक कंपोनेंट है, हार्डवेयर है, लेकिन इसमें हम सॉफ्टवेयर डाल लेते हैं तो उसके वजह से ये जो है ना काम के काबिल हो जाते हैं। अब ज़रा हम इसको करेंगे कि तो हमारे पास हो गया, लेकिन ये फिर काम किस तरह करते हैं कि एक्सेप्ट करेगा डेटा को, डेटा क्या है जो हमारे पास रा फिक्स एंड फिगर होता है, अनप्रोसेस होता है एंड सिंबल, समझ आ रही है, कि ये इसको एक्सेप्ट करेगा फिर उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, जो चीज़ इसने एक्सेप्ट कर लिया वो उसको प्रोसेस करेगा। आप लोग अलग जानते हैं जो प्रोसेस करेगा वो हमारे पास किसके थ्रू करेगा, वो सीपीयू के थ्रू करेगा। क्लियर है ना, अच्छा डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, और जो प्रोसेस हो जाए तो हमारे पास एक मीनिंगफुल चीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट, अच्छा क्या है कि डेटा डेट इज ऑर्गेनाइज मीनिंगफुल एंड यूजफुल, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन का है कि वो डेटा, डेटा तो हमने कहा कि रा फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, अनप्रोसेस होते हैं, नॉट मीनिंगफुल होता है डेटा, जब हमारे पास ये डेटा जो है ना ये ऑर्गेनाइज हो जाए मीनिंगफुल फॉर्म में आ जाए
यूजफुल हो जाए एंड प्रोसेस हो जाए, क्लियर है ना। तो हमारे पास क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाते हैं। फाइनली हमारे पास जो इंफॉर्मेशन बन जाते हैं तो फिर फाइनली क्या करते हैं, प्रोड्यूस एंड स्टोर रिजल्ट। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाती है और उसको अगर स्टोरेज होती है तो स्टोरेज में हम उसको अगर स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोरेज में हम स्टोर करते हैं और आउटपुट पार्ट के थ्रू हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको ज़रा डिपेंड करती हूँ ब्लॉक डायग्राम से कि हमारे पास ये जो है ना बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर के, मैं पहले उस पार्ट्स को बनाती हूँ, क्लियर है ना। अच्छा तो इसको बना दूंगी तो आपको ये सारी चीज़ें ज़रा और क्लियर हो जाएगी कि किस तरह ये सारे मैं करती हूँ। अच्छा ये मैं एक ब्लॉक डायग्राम बना रही हूँ, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इनपुट है, क्लियर है। अच्छा ये इनपुट हो गया, ये थोड़ा सा ज़रा गड़बड़ हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए बस इस तरह है। अच्छा ये इनपुट हो गए, ये हमारे पास है वो प्रोसेस जो हमारे पास क्या करें, हम जो भी कुछ यहाँ पर इनपुट करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर प्रोसेस हो जाती है, एग्जीक्यूट होती है। सारा जो ऑपरेशन होता है कंट्रोलिंग का हो या हमारे पास इसके अलावा जो ऑटोमेटिक लॉजिक हो या कोई भी इस तरह एग्जीक्यूशन हो तो वो हमारे पास कौन करता है, ये प्रोसेस में हो जाते हैं। प्रोसेस मीन यहाँ पर हमारे पास क्या है, CPU का है, क्लियर है ना। अच्छा ये हमारे पास क्या है, CPU हो गए। अच्छा ये CPU हो गए, इसके साथ में अच्छा तो यहाँ पर मैं जो है ना एक दूसरा पार्ट भी बनाती हूँ। दूसरा पार्ट जो है मेरे पास वो मैं जब बनाऊंगी तो वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास आउटपुट वाला यूनिट है, आउटपुट पार्ट है। तो ये अच्छा क्या करूंगी मैं इसके साथ, ये मेरे पास आउटपुट यूनिट है, इसको मैं आपके साथ आप ज़रा एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह। और जो हमारे पास एक पोर्ट हमारे पास कंप्यूटर का जो पार्ट होते हैं जिसको क्या हम करते हैं, आप लोगों ने इस एरो से को समझना है, सही है। मैं यहाँ पर हमने कोई क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया डेटा को, तो यहाँ हम एक्सेप्ट करेंगे डेटा को, मीन यहाँ पर हमारे पास डेटा आएगा वो सीधा यहाँ प्रोसेस में आएगा। यहाँ पर प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन में होगा, अगर हमें ज़रूरत है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम उसको स्टोरेज करेंगे। ये हमारे पास क्या है, स्टोरेज का पार्ट्स है। अच्छा तो स्टोरेज में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्यूचर के लिए इसको इसमें डेटा जो है ना क्या करेंगे, सेव करेंगे। अच्छा ये हमारे पास स्टोरेज वाला पार्ट है। अच्छा क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया डेटा को जो रख ली है, यहाँ पर वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद अगर हम उसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेव करेंगे। अगर हमारे पास कुछ जो है ना हम स्टोर में जो है पड़ा है हम उसको लेना चाहते हैं, उस पर कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो हम उसको लेंगे और क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पर दोबारा प्रोसेस। तो इस एरो का मतलब है कि इस प्रोसेस से हम डेटा स्टोरेज को दे देंगे और स्टोरेज में जो पड़ा होगा उसको हम वापस भी यहाँ प्रोसेस में लाएंगे और प्रोसेस से हमारे पास वो, आप ये एरर देख रहे हैं ना कि ये क्या करेगा कि इससे हम आउटपुट पार्ट्स में इसको लाएंगे तो ये हमारे पास जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले करेगा। चलो अब इन लाइन के साथ मैं इन सबको ज़रा कंपेयर करूँगी, आपको अब इसके थ्रू समझाऊँगी कि किस तरह होता है। फर्स्ट हमारे पास जो कंप्यूटर का डिफिनीशन तो ये होगा ना, अब कंप्यूटर ये काम करेगा क्या, एक्सेप्ट करेगा डेटा को, तो ये इनपुट पार्ट जो है ना क्या करेगा, हमारे पास डेटा को एक्सेप्ट करेगा। तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेटा जो है ना ये हमने यहाँ पर इनपुट कर दिया और इसमें जो हम कुछ हम इनपुट करेंगे वो बस डेटा होता है, मीन रफली हम कुछ भी यहाँ पर वो कर सकते हैं, क्लियर है ना। अच्छा यहाँ पर कर लिया, अगर फिर वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर वो प्रोसेस होगा, या तो डायरेक्ट हमारे पास एक रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा। अगर यहाँ पर वो सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं और स्टोरेज से वापस भी हम इसको प्रोसेस करते हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट आएगा। और जो आउटपुट हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा, क्लियर है स्टूडेंट आपको। चलो मैं ये ज़रा करती हूँ,
अच्छा इन फॉर अच्छा तो हमारे पास वो इंफॉर्मेशन में आ जाएगी। अच्छा यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट, तो एक्सेप्ट हो गए। इसके पास जो डेटा है हमारे पास प्रोसेस होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद, स्टोरेज होने के बाद, सारा कुछ होने के बाद हमारे पास जब आउटपुट पार्ट पार्ट में आ जाता है तो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाता है। क्लियर है इन पॉर, यहाँ पर मैं मुझसे थोड़ी सी ज़रा मिस्टेक हो गई, इन पॉर मेशन, यहाँ पर एम की क्या है कमी है, सही है ना। अच्छा तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्लियर है अब। अच्छा तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा, इंफॉर्मेशन में आ जाएगा। इंफॉर्मेशन आप जानते हैं कि हमारे पास मीनिंगफुल यूजफुल फॉर्म में आ जाएगा, और फिर फाइनली हमारे पास ये क्या करेगा, या तो यहाँ हम स्टोरेज करेंगे प्रोसेस होने के बाद, और या इस तरह आउटपुट हमारे पास इस तरह रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये तो था हमारे पास कंप्यूटर के, व्हाट इज़ ए कंप्यूटर एंड हाउ इज ए कंप्यूटर डिफाइंड, और किस तरह हमारे पास ये कंप्यूटर काम करता है। तो ज़रा आपको समझाने के लिए एक थोड़ी सी कोशिश की, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अभी हम ज़रा अपने नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में है हमारे पास क्या, डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग हमारे पास क्या होती है, आप लोग ऑलरेडी जानते हो डेटा क्या होते हैं, प्रोसेसिंग क्या होती है। अभी हमने इस डायग्राम में भी सही तरीका कर लिया है, हमने यहाँ इनपुट कर लिया, वो यहाँ पर प्रोसेस हो गया, स्टोरेज हो गया, आउटपुट आएगा, ये सारा प्रोसेस हमारे पास प्रोसेसिंग है। क्लियर है यहाँ तक। डेटा क्या होते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि हमारे पास रा फैक्ट एंड फिगर होते हैं। तो अभी हम इस डायग्राम को ज़रा डिफाइन करेंगे कि व्हाट आर द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती है उसका जो सारा प्रोसेस होता है वो किस तरह होता है, तो अभी हम इस डायग्राम से ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। सही है, तो मैं थोड़ा सा ज़रा इसको मिटा दूँगी ताकि आपको क्या हो, ये पिक्चर जो है ना ये क्लियर हो जाए। सही, अच्छा तो इंफॉर्मेशन, व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। साइकिल हमारे पास रिपीटेशन होगी, किस तरह देख ले, हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं, वह उसके बाद हमारे पास वो प्रोसेस में आ जाते हैं। प्रोसेस के बाद हमारे पास दो ऑप्शन उसके पास होते हैं, या तो स्टोरेज में जाएंगे, या हमारे पास क्या है आउटपुट क्या करेगा, आउटपुट क्रिएट करेगा, और या आउटपुट होने के बाद फिर आगे वो क्या कम्युनिकेशन करेगा। समझ आ रही है, कम्युनिकेशन में आएगा, यहाँ कम्युनिकेशन के बाद अगेन हम इनपुट में जाएंगे, कुछ इनपुट करेंगे, ये सारा कुछ हमारे पास इस तरह होते हैं ना। तो इस सारे प्रोसेस को हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। क्या करते कहते हैं, हमारे पास यहाँ जो होगा वो तुम्हारे पास डेटा होगा ना, वो हमारे पास प्रोसेस हो गई, वो कुछ इंफॉर्मेशन में मीनिंगफुल फॉर्म में आ गए, वो हमारे पास कम्युनिकेशन होगा, स्टोरेज से हम लेंगे या हमारे पास आउटपुट से लेंगे। कम्युनिकेशन होने के बाद दोबारा हम आउटपुट करेंगे, और इस तरह दोबारा ये आएंगे यहाँ पर, और दोबारा इस तरह ये साइकिल, ये रिपीटिशन, इस तरह हमारे पास इस इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग का चलेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, डेटा प्रोसेसिंग, या इसको हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट। अच्छा अब ज़रा हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है द कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, जिसको हाँ आप लोग जानते हो मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं, अभी हमने प्रीवियसली आपको डायग्राम भी बना लिया कि हमारे पास बेसिकली चार क्या है, फोर कंपोनेंट है ऑफ कंप्यूटर। वन इज इनपुट यूनिट, सेकेंड इज आउटपुट यूनिट, थर्ड एज स्टोरेज यूनिट, एंड फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज द प्रोसेस मीन CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये तो हमारे फर्स्ट फोर मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है। तो आगे इसको मैं थोड़ा सा ज़रा शॉर्टकटली आपको समझाऊंगी कि द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज एन इनपुट डिवाइसेस। इनपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, क्लियर है। तो इनपुट आप कहते हैं हम कुछ भी इनपुट कर ले वो हमारे पास इनपुट कहलाएगा। अब इनपुट यूनिट हमारे पास है कि हमारे पास वो लोकेशन कि जहाँ पर हम कुछ जो है ना इनपुट करते हैं, क्लियर है। एक लोकेशन कंप्यूटर के अंदर
कि जहाँ पर हम कुछ इनपुट करते हैं वो हमारे पास इनपुट यूनिट कहलाएगा। अभी यहाँ जो हम स्टडी करेंगे वो हमारे पास इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो इनपुट डिवाइसेस जो हमारे पास है, हार्डवेयर यूज टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। क्लियर है? जिस तरह आपके पास ये डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं हमारे पास होल जो है ना कंप्यूटर सिस्टम है, ये इनके साथ उनके कंपोनेंट्स है। हम स्टडी कर रहे हैं मेजर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के जो हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है। अच्छा, सीपीयू हो गया, स्पीकर हो गए, वे हैं माउस, कैमरा, स्कैनर, मॉडेम, कार्ड रीडर, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन एंड प्रिंटर। ये सारे हमारे पास क्या है, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है। अब हमने पढ़ लिए अभी के इनपुट यूनिट हो गया, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट एंड सीपीयू। अब इनके अंदर हमारे पास ये सारे चीज़ें मौजूद हैं, मैंने लिखे भी हैं यहाँ पर साथ में। देखे ये इनपुट यूनिट, ये हमारे पास कीबोर्ड है, तो मीन ये क्या है, हमारे पास इनपुट डिवाइस है। क्लियर है? अच्छा, ये माउस है, ये हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइस है। यहाँ तक है। अभी हम इनपुट डिवाइस की जब बात करें कि हमारे पास वो हार्डवेयर जिसको हम कंप्यूटर में इनपुट के लिए यूज़ करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन हो, कोई प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, हम कंप्यूटर में इनपुट के लिए यूज़ करते हैं, उसी डिवाइस को हम इनपुट डिवाइसेस कहेंगे। तो आपके पास जिस तरह माउस हो गया, ये माउस हो गया, ये हमारे पास कीबोर्ड हो गया, और इसके बाद हमारे पास आप देख सकते हैं माइक्रोफोन। चलो आप इस पिक्चर को देख सकते हैं ना, हमारे पास इसमें सारे जो मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया इनपुट डिवाइसेस, हमारे पास के हार्डवेयर यूज टू इनपुट इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। जिस तरह आप देख सकते हैं हमारे पास मोनिटर है, कैमरा है, ठीक है, पीसी का जो अपना कैमरा होता है तो इसे इनपुट हम यूज़ करते हैं, कीबोर्ड है जो कि इनपुट के लिए है यूज़ करते हैं, इनपुट डिवाइस है, माउस है, माइक्रोफोन है, क्लियर है, या डिजिटल कैमरा हो गया, समझ आ रही है, या स्कैनर हो गया। तो ये जो अभी हमने वो डिफाइन कर दी, ये हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइसेस है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर इनपुट पर्पस के लिए। इसके अलावा हमारे पास, आप ज़रा इस मॉनिटर को देख ले, जिसके थ्रू हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमें एक आउटपुट आ जाते हैं। तो मॉनिटर जो है हमारे पास आउटपुट डिवाइस में आ जाते हैं। आप देख रहे हैं ये हमारे पास उसका स्क्रीन है, और ये हमारे पास उसके लिए पॉइंटर के लिए उसकी वो जगह है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो स्पीकर है, तो स्पीकर आपको पता है आउटपुट हमारे पास कंप्यूटर से जो आवाज़ निकलती है ये हम सुनते हैं, तो हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइस में आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसमें हमारे पास क्या है आउटपुट डिवाइसेस में, ये प्रिंटर के थ्रू आपको पता है ना हमारे पास आउटपुट रिजल्ट मिल जाता है, तो ये हमारे पास आउटपुट डिवाइस में आता है। इसके बाद हमारे पास स्टोरेज की हमने बात की कि हमारे पास स्टोरेज है, हमारे पास प्रोसेस है सीपीयू, तो अब ये सीपीयू है, इसके अंदर सीडी डीवीडी ड्राइव स्टोरेज, या हमारे पास फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सही है, हार्ड डिस्क ड्राइव, तो यहाँ पर हम उसको रखते हैं। और ये हमारे पास असल में सीपीयू है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास ये स्टोरेज होती है, तो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस में आ जाते हैं, हम ये सारी चीज़ें रखते हैं यहाँ पर। असल में सीपीयू जो है ना हमारे पास प्रोसेस है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास सीडी डीवीडी ड्राइव या हार्ड डिस्क, यहाँ पर जो हम स्टोर करते हैं हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस में आ जाती है। इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ भी है, जो सहा कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड होता है, फ्लैश ड्राइव होती है, यूएसबी वगैरह, ये सारे जो है ना, या इसके अलावा आपको पता है जो हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम किस काम के लिए यूज़ करते हैं, स्टोरेज के लिए, मकासद के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास प्रोसेस की हम बात करेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करेंगे, हमारे पास वो सीपीयू है। अच्छा, ये तो हमारे पास चार बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर थे। इसके अलावा हमारे पास आजकल एक पिप कंपोनेंट भी आए हैं, जो हमारे पास नेटवर्क है, जो मॉडेम है। क्लियर है? अच्छा, तो ये तो हमारे पास थोड़ी सी ज़रा ओवरव्यू थी कि
मैं थोड़ी सी ज़रा आपको पहले ये सारी चीज़ें सिंपली डिस्कस कर लूँ, आगे अभी हम इसको सारा डिस्कस करेंगे। तो अभी तो इनपुट डिवाइस की समझ आ गई है ना। ओके अच्छा, अब ज़रा नेक्स्ट जाएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास जो है, आप देखते हैं ये एरो, अभी हम इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो जो एरो कहाँ पर आई है, ये हमारे पास सारे क्या है, ये हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, इसके बाद ज़रा मेजर कंपोनेंट और कंप्यूटर में आएंगे, उसमें आउटपुट डिवाइसेस पर आएंगे। लेकिन आउटपुट डिवाइसेस में जाने से पहले थोड़ी सी ज़रा आउटपुट को समझ ले, आउटपुट यूनिट को समझ ले, तभी आपको आउटपुट डिवाइसेस की समझ आएगी। तो आउटपुट हमारे पास, कोई भी हमारे पास जो रिजल्ट आ जाए, हमें जो कुछ हासिल हो जाए, वो हमारे पास क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। आउटपुट यूनिट की बात करेंगे तो हमारे पास वो लोकेशन, वो जगह कंप्यूटर के अंदर जिसके थ्रू हमारे पास कुछ हमें रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है, हमें कुछ आउटपुट आ जाता है, उसको हम आउटपुट यूनिट कहेंगे। अब आउटपुट डिवाइसेस की तरफ आएंगे तो आउटपुट डिवाइसेस क्या है कि हार्डवेयर डेट कन्वेज इंफॉर्मेशन टू ए यूज़र, कि हमारे पास कन्वे करता है इंफॉर्मेशन एक यूज़र को प्रोवाइड करता है। जिस तरह हमारे पास स्क्रीन पर कुछ आउटपुट आ जाता है या प्रिंटर पर आ जाते हैं, तो हमारे पास एक जो इंफॉर्मेशन होती है, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हमारे पास हमें डिलीवर हो जाती है, हमें मिल जाती है ना। तो ये तो हमारे पास आउटपुट डिवाइस था। अब मीन के वो कंपोनेंट, वो हार्डवेयर जिसके थ्रू हमारे पास ये चीज़ें आउटपुट आ जाए, हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। अब आप देख ले, उसी तरह वही डायग्राम है, इसमें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड सीपीयू या नेटवर्क डिवाइसेस, सारी चीज़ें यहाँ कंबाइन है। लेकिन अभी इसमें आउटपुट डिवाइस की हम तलाश करेंगे तो हमारे पास क्या है, जो एरो के निशान जहाँ पर है, ये हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस है। क्लियर है? मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, तो ये तो है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। सही, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब ज़रा कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के एक नए टॉपिक पर आएंगे, जो कि हमारे पास है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट हमारे पास क्या है, तो आप देख सकते हैं कि बॉक्स लाइक केस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड टू प्रोसेस डेटा, इज कॉल्ड सिस्टम यूनिट। हमारे पास ये एक बॉक्स की तरह, रेक्टेंगल साइज का की तरह एक बॉक्स होता है, उसके अंदर हमारे पास स्टोरेज भी होती है, या ये मॉनिटर, या ये लाउड स्पीकर, ये सारे डिवाइसेस के अटैचमेंट सारे यहाँ पर हम करते हैं। क्लियर है? तो इसको हम सिस्टम यूनिट कहेंगे। क्यों? कि इसके अंदर हमारे पास सारे जो सारे चीज़ें यहाँ पर एक जगह पर कंबाइन होती है। अच्छा, तो आप ज़रा देख सकते हैं जो रेड एरो है, ये हमारे पास क्या है, जिसको आप लोग सीपीयू कहते हैं, ये हमारे पास सिस्टम यूनिट है। क्लियर है यहाँ पर? ओके, अब ज़रा आएंगे कि व्हाट इज़ द मैजिकल इनसाइड द ब्लैक बॉक्स। अब हमारे पास ये ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स, अभी हमने कहा सिस्टम यूनिट जो हमारे पास है, तो उसके अंदर हमारे पास कुछ बहुत सारी दुनिया होती है। तो वो दुनिया क्या है, वो सारी ये सारी चीज़ें हैं। अभी पीछे हमने कहा सिस्टम यूनिट, तो उस सिस्टम यूनिट को अगर आप ओपन कर लें, उस सीपीयू को आप ओपन कर लें, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास उसमें मिलेंगी। क्लियर है? ये हमारे पास अलग केबल है, ये हमारे पास अलग जो है ना, और रिबन वगैरह है, ये हमारे पास यहाँ पर ग्रीन जो आप, ये हमारे पास मदरबोर्ड है, इसके अंदर हमारे पास ये सॉकेट्स है, या हमारे पास डिफरेंट कार्ड्स के रखने की जगह है। क्लियर है? सीपीयू और रैम, ये सारी चीज़ें हमारे पास इसी जगह पर मिल जाते हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, स्टोरेज यूनिट है। स्टोरेज यूनिट में यहाँ पर हमारे पास हार्ड डिस्क है, ये क्लियर है? अच्छा, अब ज़रा आएंगे हमारे पास ये क्या है, पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई में जो हमारे घरों में वो पावर सप्लाई की वो जगह होती है जहाँ पर सारे घर की पावर होती है, तो इस तरह कंप्यूटर में भी हमारे पास एक ट्रांसफार्मर सा होते हैं, एक पावर होती है जो सारे कंप्यूटर को क्या करते हैं, जो सीपीयू होती है उसको बिजली प्रोवाइड करती है। क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद ज़रा आएंगे सीपीयू पर। आप, हम तो एज ए होल को आप लोग जानते हैं कि उसको मतलब आप सीपीयू कहते हैं, असल में वो हमारे पास सिस्टम यूनिट होते हैं। सीपीयू असल में ये छोटा सा चिप्स होते हैं, जिस तरह आपका सिम नहीं होता, सिम की तरह एक छोटा सा चिप्स होता है जो इस ब्लैक
फ्लैट के नीचे बहुत ही महफूज होता है, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है कुछ और आएंगे, मेमोरी कार्ड पर आएंगे। मेमोरी कार्ड का मतलब ये हमारे पास ये रैम है, जो आप लोगों ने रैम रोम ये सारी चीज़ें पढ़ी है ना, उसमें हमारे पास ये क्या है, रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसके बाद कुछ और चीज़ें दिखाएंगी, हमारे पास वीडियो कार्ड्स है, यहाँ पर जो अलग अलग वो चीज़ें लगी है, इस तरह जो प्लेट सी है ये हमारे पास वीडियो कार्ड्स हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो कार्ड लगी है ये हमारे पास साउंड कार्ड है, क्लियर है। ये इस तरह कार्ड जो लगे होते हैं, ये मेमोरी कार्ड की तरह कार्ड्स होते हैं। अच्छा, ये तो चलो आपको रिकॉग्नाइज हो गया कि असल में ये क्या चीज़ होता है, ये क्या होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। अब ज़रा इस कंपोनेंट आप कंप्यूटर में कुछ आगे आएंगे, कुछ और चीज़ों को डिटेल में और जाएंगे, आपको कुछ पिक्चर के थ्रू दिखाएंगे। आप लोगों ने तो अभी तक देखे नहीं होंगे, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस है, ऐसा कुछ वो है नहीं कि हम आपको अभी दिखा दें, तो बस इसी में आपके लिए पिक्चर ही हमने रखे है ताकि आप लोगों को इस पिक्चर से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो अभी हम इसमें आगे जाएंगे और क्या करेंगे कि व्हाट आर टू मेन कंपोनेंट इन द मदरबोर्ड। जो मदरबोर्ड में हमने पीछे जितना वो कर लिया, ये सारा हमारे पास ये ग्रीन जो है, इस पर सारी चीज़ें जो है लगी है, ये हमारे पास मदरबोर्ड है, क्लियर है। अब क्या है कि हमारे पास इस मदरबोर्ड पर टू इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बगैर हमारे पास कंप्यूटर बिल्कुल बस का बेकार होता है। तो वो अब डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास क्या है। ओके स्टूडेंट, तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं हमारे पास जो कंपोनेंट कंप्यूटर में द मेन कंपोनेंट है द मदरबोर्ड पर, तो हमारे पास आप पिक्चर देख सकते हैं ऐसे ये कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड तो आप लोग जानते हैं ना, अगर नहीं जानते तो थोड़ा सा मैं ज़रा आपको दोबारा दिखा दूँ। आप देख रही है ग्रीन सा वो जो प्लेट है, इसके ऊपर हमारे पास ये अलग अलग चीज़ें, ये हमारे पास क्या है, मदर बोर्ड है। तो क्या है कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑन द मदर बोर्ड। मदर बोर्ड पर हमारे पास वो कौन से मेन कंपोनेंट है जो हमारे पास एक कंप्यूटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर हमारे कंप्यूटर जो है ना, हमारे जो वर्क है वो इनकम्प्लीट है, इसके बगैर बिल्कुल कुछ ही नहीं होता। अच्छा, तो वो हमारे पास दो मेन कंपोनेंट है। एक हमारे पास है सीपीयू, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, और दूसरा हमारे पास है मेमोरी, क्लियर है। तो ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीपीयू आप देख सकते हैं, ये हमारे पास इसका पिक्चर है। अच्छा, आपको तो आप तो उस बड़े बॉक्स को सीपीयू कहते हैं, लेकिन असल में हमारे पास वो सीपीयू नहीं होता, वो हमारे पास सिस्टम यूनिट होता है। सीपीयू जो है ना, ये हमारे पास ये छोटा सा चिप्स होता है सिम की तरह, और ये सारा जो हमारे पास कंप्यूटर का सारा वो फंक्शन है, कंट्रोलिंग है, सारा कुछ यही परफॉर्म करता है, क्लियर है। अच्छा, आल्सो कॉल्ड ए प्रोसेसर, इसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं, कैरीज आउट इंस्ट्रक्शन दैट टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू। ये कैरी करता है इंस्ट्रक्शन को और कंप्यूटर को बताता है कि क्या काम करना है, किस तरह करना है, कब करना है, क्लियर है। ये सारे काम हमारे पास सीपीयू करता है, मीन ये हमारे पास उस कंप्यूटर को हिदायत देता है। इसके बाद हमारे पास है मेमोरी। मेमोरी ये आप पिक्चर जो देख रहे हैं, ये हमारे पास रैम का पिक्चर है। आप लोग जानते हो रैम हमारे पास मेमोरी है। हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मेमोरी है, वन इज सेकेंडरी मेमोरी एंड सेकेंड इज हमारे पास क्या है, प्राइमरी मेमोरी। जो कि प्राइमरी मेमोरी हमारे होती है पास होती है, वो हमारे पास टेम्प्री मेमोरी होती है, आरजी मेमोरी होती है। तो उसका जो हम मेमोरी की अब ज़रा बात करें, तो टेम्प्रेरी होल्डिंग प्लेस फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, और ये पिक्चर हमारे पास रैम का है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सीपीयू क्या करता है, हमारे पास वो सारा प्रोसेसिंग करता है, लेकिन हम अब इन कंप्यूटर में कुछ इनपुट करते हैं, वो हमारे पास प्रोसेस होगा और वो आउटपुट आएगा, लेकिन जो कुछ हम इनपुट करते हैं तो वो भी तो कुछ जगह घेरेगी,
समझ आ रहे हैं ना, उसका भी तो कोई स्पेस उनके लिए चाहिए होगा, तो वो जो स्पेस होगा हमारे पास उसके लिए क्या है, मेमोरी है। अगर आपके पास कंप्यूटर में स्पेस ही नहीं है जिसमें आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सके, कोई विंडो कर सके, तो ये भी फिर बेकार है। तो मीन मेमोरी एंड सीपीयू हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है ऑफ मदरबोर्ड। अच्छा, अब ज़रा कंपनी आप कंप्यूटर में आगे जाएंगे, स्टोरेज को स्टडी करेंगे। असल में स्टोरेज आप लोगों को जानते हो ना कि हमारे पास ये स्टोरिंग होती है समथिंग फॉर फ्यूचर, हम कुछ भी मतलब फ्यूचर के लिए स्टोर करते हैं तो हमारे पास स्टोरेज होते हैं। तो इसको हम कंप्यूटर में कोई लोकेशन हो वहाँ पर हम कुछ स्टोर करते हैं तो फिर उसको हम स्टोरेज यूनिट कहेंगे। अब फिर हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, तो हमारे पास वो डिवाइसेस जिसके थ्रू हम स्टोरिंग करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, वो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस कहलाएगा। अब चलो यहाँ स्लाइड पर आएंगे और यहाँ कुछ डिस्कस करेंगे स्टोरेज का कि हमारे पास व्हाट इज स्टोरेज, तो क्या करेगा, होल्ड्स डेटा, ये स्टोरेज होल्ड करेगा डेटा को, इंस्ट्रक्शन को एंड इंफॉर्मेशन को फॉर फ्यूचर यूज, मीन कि फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए हमारे पास डेटा को होल्ड भी करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को भी और इंफॉर्मेशन को भी फ्यूचर यूज के लिए इसको होल्ड करेगा, संभाल के रखेगा। समझ आ रही है। अब ज़रा स्टोरेज मीडिया पर आएंगे एंड स्टोरेज डिवाइस पर आएंगे, तो दो दो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे पास इस स्टोरेज के पार्ट्स में क्या है कि स्टोरेज मीडिया की अगर हम बात करें तो फिजिकल मटेरियल ऑन विच डेटा इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन आर स्टोर। हमारे पास कोई भी फिजिकल मटेरियल हो, मीन कोई भी फिजिकल कोई भी हार्डवेयर हो या कोई भी फिजिकली कंपोनेंट हो, समझ आ रही है, जहाँ पर हम डेटा को, इंस्ट्रक्शन को या इंफॉर्मेशन को फ्यूचर के लिए सेव करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, स्टोर्ड कहेंगे। समझ आ रही है ना, तो उसको हम स्टोरेज मीडिया कहेंगे। मीडिया आपके पास, हमारे पास एक रास्ता होते है, एक जरिया होते है जिस जरिए से आप ये स्टोरिंग करेंगे, समझ आ रही है। तो फिजिकल मटेरियल ऑन विच डेटा, जिस पर डेटा, इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन हमारे पास स्टोर होगा उसको हम स्टोरेज मीडिया कहेंगे। अब ज़रा स्टोरेज डिवाइस पर आएंगे, तो रिकॉर्ड्स एंड रिट्रीव आइटम टू एंड फ्रॉम ए स्टोरेज मीडियम, के जो रिकॉर्ड होता है उसको हम रिट्रीव करते हैं इसके आइटम को या उससे, स्टोरेज मीडियम से, समझ आ रही है, तो इसको हम स्टोरेज डिवाइस कहेंगे। सिंपली मैं यही कहूँगी कि हमारे पास कोई भी फिजिकल कंपोनेंट जिसके जरिए हम डेटा को स्टोर करते हैं, जिसके थ्रू हम डेटा को स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट को स्टोर करते हैं, तो उस डिवाइस को, उस फिजिकल कंपोनेंट को हम स्टोरेज डिवाइस कहेंगे। जिस तरह हमारे पास फ्लैश हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, समझ आ रही है। अब इसके अंदर हमारे पास फिर टाइप्स आती है कि टेम्पररी मेमोरी एंड परमानेंट मेमोरी, मीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, तो वो आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, लेकिन आपके लिए इतना बेसिक कॉपी है। अच्छा, अब ज़रा हम स्टोरेज डिवाइस बनाएंगे कि हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस क्या है, तो आप सामने पिक्चर भी देख सकते हो। हमारे पास पहले ज़माने की जो स्टोरेज थे, पास जब कंप्यूटर बनाया गया और उसके लिए हम जो स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ करते थे वो हमारे पास क्या है, तो व्हाट इज ए फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क भी हमारे पास एक स्टोरेज डिवाइस है, जिसका आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, क्लियर है। इसमें भी हम, जैसा हमारे पास मेमोरी कार्ड होता है तो भी बिल्कुल मेमोरी कार्ड की तरह होता है, लेकिन मेमोरी कार्ड बहुत ही छोटा होता है और ये जो है ना हमारे पास हथेली जितना होता है, ये बड़ा साइज में ये बड़ा होता है, जबकि मेमोरी, इसकी जो मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है ये हमारे पास 100 MB या 50 MB, इतना 200 MB इतना डेटा को स्टोर करता था, सही है। अच्छा, इसका ज़रा स्ट्रक्चर पर आएंगे, तो ये हमारे पास बहुत ही थिन था, सर्कुलर था, फ्लेक्सिबल डिस्क था, इनक्लोज था किस में, एंड रिजिड प्लास्टिक शेल। ये हमारे पास इसके यदि प्लास्टिक शेल है और इसमें छोटा सा इस तरह सर्कुलर सा, वो सिम की तरह जो आजकल के जो पैसे नहीं होते, वो सिक्के के पैसे, इतनी तरह हमारे पास इस जो वाइट सी जगह है यहाँ पर नीचे ही इस तरह जगह है, वो असल में हमारे पास वहाँ पर स्टोरेज होते हैं, ये बाकी जो है ना हमारे पास उसका लिए प्लास्टिक शेल है।
अच्छा, तो आई होप ये आपको समझ आ गया है कि हमारे पास प्लोपीडिक्स क्या है। ये हमारे पास पुराने ज़माने में जब कंप्यूटर पहले बनाए गए थे उस टाइम हम इसको यूज़ करते थे, जिस तरह आजकल हम मेमोरी कार्ड यूएसबी को यूज़ करते हैं जिसमें हम डेटा डालते हैं और वो डेटा जो है ना हम फिर दूसरे कंप्यूटर में भी डाल सके। तो इस तरह अब देखें ना, इसके लिए अपनी ये जगह है, हम इसमें इसको रखते हैं और इसमें डेटा जो है ना पुट करने के बाद वापस निकालते हैं और जिस कंप्यूटर में हम उस डेटा को डालना चाहते हैं उसमें इसको एंटर करते हैं वहाँ से। तो जिस तरह मेमोरी कार्ड यूएसबी का काम है उसी तरह इसका काम भी है। लेकिन इसमें एक हमारे पास बात ये है कि आजकल मेमोरी कार्ड यूएसबी फ्लैश सारे बहुत छोटे वो है ना, लेकिन इसमें मेमोरी कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है, जबकि ये शायद में बहुत ही बड़ा होता था, लेकिन इसकी कैपेसिटी मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है, स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ज़िप डिस्क लुक सिमिलर बट हैज़ मच ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी जो कि 170 फ्लॉपी डिस्क के बराबर है। समझ आ रही है क्या है? ये हमारे पास ज़िप डिस्क है जो कि आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास सेम टू सेम इसी फ्लॉपी डिस्क की तरह है, लेकिन इसकी मेमोरी की कैपेसिटी हमारे पास कम है, जबकि इसकी हमारे पास जो मेमोरी की कैपेसिटी है ये कितना है, हमारे पास 170 फ्लॉपी डिस्क को हम जमा कर लें तो हमारे पास इसकी इतनी कैपेसिटी है। समझ तो आ रहा है? अच्छा स्टूडेंट, तो अभी जो है ना कंपनी और कंप्यूटर में हम हार्ड डिस्क बनाएंगे कि हमारे पास व्हाट इज़ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आप लोग ऑलरेडी जानते हैं हमारे पास टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज है, वन इज़ प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकंड इज़ सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज हमारे पास आरजी मेमोरी होती है जबकि सेकेंडरी स्टोरेज हमारे पास जो है ना परमानेंट स्टोरेज होती है। अब जो हार्ड डिस्क ये हमारे पास परमानेंट स्टोरेज में आता है तो प्रोवाइड करता है मच ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी देन ए फ्लॉपी डिस्क और ज़िप डिस्क। सही है, पीछे हमने फ्लॉपी डिस्क ज़िप डिस्क ये भी हमने पढ़ ली, वो हमारे पास क्या थे, परमानेंट स्टोरेज है। अब इस सेकेंडरी स्टोरेज के वो भी हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज है। अब जो हमारे पास हार्ड डिस्क है तो ये भी हमारे पास परमानेंट स्टोरेज है, इसकी भी जो कैपेसिटी होती है ये भी बहुत ज़्यादा होती है और उसमें भी हम डेटा जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। हाउस होल्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट, और ये कहाँ पर हुआ क्या है, ये हमारे पास सिस्टम यूनिट के अंदर इसकी अपनी जगह होती है, वहाँ पर हम इस हार्ड डिस्क को इंटर करते हैं, वहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं, अटैच करते हैं। अब जो हमारे पास हार्ड डिस्क है ये हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास इंटरनल हार्ड डिस्क होते हैं और दूसरा हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होता है। जो इंटरनल हार्ड डिस्क है आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये हमारे पास इंटरनल हार्ड डिस्क है। इंटरनल हार्ड डिस्क का मतलब है कि इसको हम कंप्यूटर के अंदर सिस्टम यूनिट के अंदर पेस्ट करते हैं, वहाँ पर ये काम करता है, क्लियर है। जबकि एक्सटर्नल स्टोरेज का मतलब ये है कि वो हमारे पास बाहर पड़ा होता है, सिर्फ हम कनेक्टर के थ्रू केबल के थ्रू उसको कनेक्ट करते हैं और अपना काम उससे चलाते हैं, क्लियर है। अच्छा, अब ज़रा नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे और आगे कुछ पढ़ेंगे जो कि है हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम सीडी भी कहते हैं। तो व्हाट इज़ ए कॉम्पैक्ट डिस्क और अच्छा अभी जो हम पढ़ेंगे हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क है जो कि हमारे पास स्टैन करता है सीडीज को। तो देख सकते हैं सीडी हमारे पास, आप सामने पिक्चर देख सकते हैं क्या है इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे पास प्लेट होगा, राउंड होगा, पोर्टेबल होगी एंड पोर्टेबल मेटल डिस्क होगा। अब इनके हमारे पास जो अगेन डिवीजन है, एक हमारे पास सीडी रोम है एंड सीडी आरडब्ल्यू है। सीडी रोम स्टैंड करता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एंड सीडी आरडब्ल्यू है। इसके जो हमारे पास दोनों की जो कैपेसिटी है वो हमारे पास 673 से लेकर 768 एमबी तक, मीन इसकी इतनी कैपेसिटी है, इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, क्लियर हैं। अच्छा, आजकल की बाज़ार में बहुत ही 10-20 रुपए के अवेलेबल है, बहुत ही हमारे पास ये सस्ते मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसके जो और टाइप्स है उसमें हमारे पास डीवीडी रोम है एंड डीवीडी प्लस आरडब्ल्यू है, और इनकी जो हमारे पास कैपेसिटी है तो हमारे पास 4.7 से लेकर 17.1 गीगा बिट्स तक इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, क्लियर है। अच्छा,
अब इसके बाद ज़रा हम स्टडी करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर एक नई न्यू चीज़ को, जो कि हमारे पास न्यू स्टोरेज को हम स्टडी करेंगे, स्टोरेज मीडिया को हम स्टडी करेंगे, जो कि है कि व्हाट इज़ मिनिएचर स्टोरेज मीडिया। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि मिनिएचर स्टोरेज मीडिया हमारे पास क्या होता है। तो ये हमारे पास पोर्टेबल है, थिन है, थिन मेमोरी कार्ड जिसको हम यूज़ करते हैं डिजिटल कैमराज में एंड हैंड हेल्ड कंप्यूटर में। समझ आ रही है? डिजिटल कैमरा में भी इसी चीज़ को हम डालते हैं और वहाँ पर हमारे पास जो हम कुछ वीडियो बनाते हैं, कुछ कैप्चर करते हैं, वो वहाँ पर स्टोर हो जाता है। तो डिजिटल कैमरा में है और दूसरा हमारे पास हैंड हेल्ड कंप्यूटर में, जैसा हम मोबाइल हो गए, हमारे पास PDA हो गए, इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें हम ये यूज़ करते हैं और इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो आप इसको पिक्चर में भी देख सकते हैं। इसके बाद जो है ना कि व्हाई इज ए कंप्यूटर सो पावरफुल। अब हम जरा पढ़ेंगे कंप्यूटर की पावर के बारे में कि ऐसी क्या वजह है कि कंप्यूटर हमारे पास बहुत ही पावरफुल है, सारे लोग इसी को यूज़ कर रहे हैं, बाकी कामों को लोगों ने छोड़ दिया है, बाकी भी हम बहुत सारे मतलब मैनुअल तरीके से भी हम एक काम कर सकते हैं, लेकिन सारे लोग जो है ना कंप्यूटर पर डिपेंड करते हैं और कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, लेकिन इनकी क्या क्या वजूहत है, तो उस हमारे पास इनको मैं ज़रा डिस्कस करूँगी कि व्हाट मेक ए कंप्यूटर पावरफुल। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी एलिमेंट्स हैं जो हमारे लिए इस कंप्यूटर को सबसे पावरफुल बनाता है। तो फर्स्ट वन तो हमारे पास कंप्यूटर की स्पीड हो गई, कि हमारे पास कंप्यूटर बहुत ही स्पीड ऑफ है, उसकी स्पीड बहुत ही तेज़ है, हमारे पास जो भी हम कैलकुलेशन इसको देते हैं वो बहुत ही चंद सेकंड में हमारे पास उसका रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जिस तरह पुराने ज़माने में हम कैलकुलेशन करते थे, कोई कारोबार वगैरह करते थे या कोई भी काम वगैरह करते थे, तो वो हमारे पास मंथ और इस तरह हफ्ते उस पर लगते थे, फिर भी उसमें बहुत सारी गलती हो जाती है और दिमाग भी बहुत बेकार हो जाता था। ले हैं तो एक हमारे पास कंप्यूटर की स्पीड है कि जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है ना हमारे पास क्या है, पावरफुल है, इसलिए लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले सारे चीज़ों का जो डिपेंड इस पर है इसकी स्पीड की वजह से है, कि मीन इस बहुत ही स्पीड के लिहाज से बहुत ही तेज है। बाकी अगर मैं कोई बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो और मैं कहूँ कि आप लोगों ने चलो 2+2+3 को ऐड करना है, तो कोई जो है ना गलत जवाब देगा, कोई जो है ना कहेगा कि सॉरी मैं नहीं कर सकता, बहुत सारे वो फिर आएंगे और टाइम भी फिर उस पर बहुत ज़्यादा लगेगा और कैलकुलेट करेगा। अगर मैं ये कंप्यूटर को दे दूँ, सही है, तो वो मेरे लिए इसको सेकंड के अंदर इसका करेक्ट रिजल्ट मुझे प्रोवाइड करेगा, उसमें ना तो टाइम उसमें वेस्ट होगा और ना उसमें कोई गलती होगी। तो एक हमारे पास इसकी जो है स्पीड है, इसकी एक खूबी है, कैरेक्टरिस्टिक है कि जिसकी वजह से हम कंप्यूटर को जो है ना पावरफुल मानते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसकी रिलेबिलिटी है। रिलेबिलिटी का मतलब यही होगा कि हमारे पास हम इनको जो भी कोई भी मुश्किल काम दे दे, कुछ भी वो दे दे, ये बहुत ही स्मूथली आसानी के साथ उसको परफॉर्म करेगा, ना कभी ये कहेगा कि आपने मुझे बार बार वो कुछ दे दिया, ना कभी इसमें गलत रिजल्ट आपको देगा, ना कभी ये थकेगा कि बस ये थक गया है और कुछ कैलकुलेशन नहीं करेगा, या ना इससे और भी बहुत सारे मसले हैं, लेकिन ये कभी भी ये नहीं कहेगा। तो मीन ये है कि कंप्यूटर जो है हमारे पास बहुत ही रिलायबल है। इसकी ये रिलायबिलिटी की खूबी जो है, कैरेक्टरिस्टिक जो है, ये हमारे पास कंप्यूटर को पावरफुल बनाता है। अच्छा, इसके बाद ज़रा इसकी एक्यूरेसी पर आएंगे। तो इसकी एक्यूरेसी जो है ना बहुत ही करेक्ट होती है, हम इसको जो भी वैल्यू दे ये हमारे पास बहुत ही सही तरीके से उसको कैलकुलेट करता है और ये जो हमें जो भी रिजल्ट देता है उसमें गलती की कुछ भी गुंजाइश नहीं होती है। अगर हम ये एक्यूरेसी अगर इंसान और कोई दूसरी चीज़ से कर ले तो उसमें बहुत सारी एरर आएंगी और वो टाइम भी लेगा और बहुत सारा वो चीज़ है, लेकिन कंप्यूटर में ये खूबी है कि हम इसको कोई भी कॉम्प्लेक्स कितना ही पेचीदा कितना ही वो काम दे दे, लेकिन ये बहुत ही एक्यूरेसी के साथ हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा।
अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक खूबी इसकी स्टोरेज के है कि कंप्यूटर की में बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती है, सही है। हमारे पास जिस तरह हमारे पास कॉलेज का रिकॉर्ड होता है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है, या हमारे पास एम्प्लॉय का रिकॉर्ड होता है, रहे हैं, तो ये रिकॉर्ड हम अपने लैपटॉप में जब रखते हैं, अपने कंप्यूटर पर रखते हैं, तो हमारे पास क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वो स्टोरेज होते हैं, अगर हम इसको मैनुअली कर ले पूरा रूम हम उससे भर दे तो फिर उसमें भी ख़राब होने की बहुत खदशात होती है, या हमारे लिए जगह भी उगरता है, उस ख़राब भी होता है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना इसमें और भी बहुत सारे इशू आ जाते हैं। तो कंप्यूटर हमारे पास एक पावरफुल इस लिहाज से है कि ये हमारे पास क्या है कि इसकी स्टोरेज बहुत ही अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा है। आजकल तो 13 के में जो रैंकिंग में जो है ना हमारे पास स्टोरेज चल रहा है। मीन पहले तो मीन के MB किलो MB गीगाबाइट की बात कर रहे थे, किलो मतलब आगे जो है ना हमारे पास 13 तो आजकल ये बहुत ही आगे चला गया है जो हमारे पास स्टोरेज की जो रैंकिंग है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक जो कंप्यूटर की पावरफुल की वजह है कि ये काम है, तो इस वजह से कंप्यूटर हमारे पास पावरफुल है, वो है कम्युनिकेशन। कंप्यूटर के थ्रू हमारे पास जो कम्युनिकेशन होती है, एक दूसरे के साथ जो रबता होता है, तो ये बहुत ही आसान हो गया है। पुराने ज़माने में हम एक दूसरे के साथ जो फासले जो है ना वो बहुत दूर होते थे, तो एक दूसरे से मिलना जुलना भी नहीं होता था, और बहुत सारे पैसे भी लगते थे, बहुत ज़्यादा खर्चा भी आ जाता था, और बहुत सारी चीज़ें टाइम भी उसमें लगता था। आजकल जो कम्युनिकेशन इस कंप्यूटर के थ्रू हम करें, तो अभी डायल नंबर डायल करते हैं और अमेरिका में बैठा शख्स के साथ हम ऑनलाइन बातचीत करते हैं, हम कुछ भी सेंड करते हैं जल्दी से सेकंड में हम उसको कुछ सेंड करते हैं, वो हमें कुछ सेंड करते हैं ले हैं। तो मीन पुराने ज़माने में एक काम जो सालों उस पर लगते थे, आजकल चंद सेकंड में वो काम हो जाता है। तो ये तो हमारे पास चंद कैरेक्टरिस्टिक पे चंद खूबियाँ थी जिसने कंप्यूटर को एक पावरफुल कंप्यूटर बनाया है, ले हैं। अच्छा, अब ज़रा आगे जाएंगे और पढ़ेंगे नेटवर्क एंड द इंटरनेट। पहले थोड़ा सा मैं ज़रा डिस्कस करूँगी कि नेटवर्क क्या होता है, फिर आगे जाएंगे इंटरनेट पर। जब नेटवर्क की समझ आ जाएगी तो फिर आपको इंटरनेट की भी समझ आ जाएगी। तो असल में नेटवर्क हमारे पास है कि जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास नेटवर्क कहलाता है। अब इंटरनेट की बात करेंगे, जब हमारे पास नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए और एक दूसरा नेटवर्क बनाए तो हमारे पास फिर इंटरनेट कहलाएगा, और वो हमारे पास क्या है, ग्लोबली होगा। ग्लोबली मीन कि हमारे पास दुनिया के सतह पर सारे जो नेटवर्क है एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए तो हमारे पास क्या कहलाएगा, इंटरनेट कहलाएगा। तो इसको ज़रा आगे हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ कि क्या है, कि व्हाट इज़ ए नेटवर्क। तो कलेक्शन ऑफ द कंप्यूटर्स एंड डिवाइस कनेक्टेड टूगेदर, जिस तरह आप देख सकते हैं हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, नेटवर्क कहलाएगा। अब इस नेटवर्क को मैं ज़रा करूँगी, तो कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू हम ये नेटवर्क करेंगे। इसमें क्या होगा, एनेबल ए कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर के दरमियान में ये कनेक्शन होगा। फिर है वन टाइप एज ए मॉडेम, एक इसके लिए चाहिए होगा। इसके साथ कम्युनिकेशन मीडिया चाहिए होगा, और इसमें केबल होंगे, टेलीफोन लाइन, सेलुलर रेडियो एंड सेटेलाइट। तो ये अच्छा स्टूडेंट, तो हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया होगा जिसमें हमारे पास केबल होगा, टेलीफोन लाइंस होने चाहिए, सेलुलर रेडियो होगी, सेटेलाइट होगी। मीन इनमें से हम एक चीज़ को यूज़ करेंगे और इसके थ्रू अपना कम्युनिकेशन करेंगे, समझ आ रहे। अब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर या डिवाइस या मशीन एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उसको तो हम नेटवर्क कहते हैं। लेकिन ये कम्युनिकेशन इन सब चीज़ों के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, कि हमारे पास कुछ कम्युनिकेशन डिवाइस चाहिए होगा जिसके थ्रू हम ये सारा काम करेंगे। कम्युनिकेशन डिवाइस अभी मैं ले लूँ, मेरे पास मोबाइल है, आपके साथ लैपटॉप है, किसी और के साथ। अब ये चंद कंप्यूटर हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते, एक नेटवर्क बनाते, एक कम्युनिकेशन करते हैं, सही है। अब इन हमारे इस डिवाइस में एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होना चाहिए वो मॉडेम होना चाहिए। मॉडेम का मतलब क्या होगा, कि हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, और जो हम डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। आप लोगों ने एक बात को याद रखनी है कि हम जो भी बोलते हैं ये हमारे पास एनालॉग फॉर्म होती है,
जो भी हमारे पास, जबकि ये जब केबल में ट्रांसफ़र करता है, कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करता है, तो कंप्यूटर जो है ना सिर्फ 0-1 को समझ सकता है, डिजिटल को समझ सकता है डिजिटल डेटा को। उसको एनालॉग और ये व्यूज़ और ये हमारे पास आवाज़ होती है या हमारी जो अपनी लैंग्वेज होती है, इसकी कोई समझ नहीं आती। तो क्या करेगा, ये मॉडेम हमारे पास एक डिवाइस होगा जो हमारे इस व्यूज़ को, हमारे इस आवाज़ को, हमारे जो आवाज़ जो है ना ये एनालॉग है, इसको वो क्या करेगा, इस मॉडेम के थ्रू उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और कंप्यूटर जो है ना डिजिटल को समझेगा और वहाँ पर हमारे पास वो क्या करेगा, इस डिजिटल को पर काम करके, प्रोसेस करके दोबारा आउटपुट आएगा और आउटपुट जो है ना दोबारा इस मॉडेम के थ्रू हमें हमारे उस व्यू फॉर्म में वो देगा। तो ये तो हमारे पास कम्युनिकेशन में कुछ बेसिक चीज़ें थी कि इसके लिए तो हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस चाहिए, जैसा अभी मैंने कहा कंप्यूटर होना चाहिए, मोबाइल या इस तरह इसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते, मॉडेम होना चाहिए। तो हर डिवाइस में अपना मॉडेम होता है, क्ले हैं जिसके थ्रू हम बातचीत सब कुछ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें ऑटोमेटिकली होते हैं। अच्छा, ये सारे कुछ तो हम करते हैं, लेकिन अब हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया होगा। मीडिया मीन कि अब जो हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये हमारे पास वायरलेस के थ्रू हम एक दूसरे के साथ कनेक्शन करेंगे, या हमारे पास हम दोनों के सिस्टम के दरमियान, या हमारे पास जो कंप्यूटर हमने एक दूसरे के साथ अटैच किए थे है, ये हमारे पास कोई केबल के थ्रू कनेक्ट है, क्या होना चाहिए। तो हमारे पास जो कम्युनिकेशन मीडिया है, इसके हमारे पास बहुत ये सारे टाइप्स है। मीन हमारे पास केबल होना चाहिए, वो केबल होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास या तो टेलीफोन लाइन्स होनी चाहिए, अगर हम टेलीफोन को वो DSL यूज़ कर रहे हैं। सेलुलर रेडियो चाहिए, मीन अगर हम कोई सेलुलर रेडियो की ट्रांसमिशन, उसकी जो कुछ व्यू वगैरह यूज़ करें, उसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या हम सैटेलाइट यूज़ करें, तो इनमें से हमारे पास कुछ होना चाहिए। और ये डिवाइस इसी जैसा अभी जो है ना हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है, हम वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हैं, सही है, वाईफाई के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हम कनेक्ट है। तो हमारे पास मोबाइल, आपके पास भी मोबाइल है, मेरे पास भी मोबाइल है, और हम एक दूसरे के साथ इस तरह ये ऑनलाइन क्लासेस आमने सामने ले रहे हैं। तो इसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह ये सारे कंप्यूटर ने एक नेटवर्क बना लिया है, और जब हमारे पास मैदान में मतलब एक नेटवर्क होगा, यहाँ पर एक नेटवर्क, ये नेटवर्क के नेटवर्क एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन करेंगे, तो ये हमारे पास फिर इंटरनेट होगा, समझ आ रही है। और फिर ये जो है ना ग्लोबली होगा, सिर्फ ये नहीं, मीन हमारे पास चलो मैं एक ममालिक के सतह पर ले लूँ, या मैं सूबों के सतह पर ले लूँ, कि पर्स करे कि हमारे पास जो कैफिके हैं इसका अपना नेटवर्क है, पंजाब का अलग है, सिंध का अलग है, बलूचिस्तान का अलग है, कश्मीर का अलग है, और इस तरह गिलगित बल्तिस्तान का अलग है। ये सारे नेटवर्क एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए, मैं इसको एज ए ग्लोबल कंसिडर करती हूँ कि पाकिस्तान हमारे पास एक ग्लोबल है, मीन एक दुनिया है, और इसमें ये सारे हमारे पास ममालिक है। अभी जो उसको मैंने आपको जो सूबे के वो नाम बता दिए, तो अब ये अलग अलग सूबे का अपना अपना नेटवर्क है, और ये सारे एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्शन करेंगे, तो ये हमारे पास एक ग्लोबल हिस्सा हो गया, ये हमारे पास एक इंटरनेट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, आगे जाएंगे और आगे हम इस दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, नेटवर्क और इंटरनेट को किसी और तरीके से आप डिफाइन करेंगे, किस तरह कि व्हाई डू वी नीड नेटवर्क, हमें ऐसी क्या चीज़ें हैं कि हमें नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, और हम नेटवर्क मतलब बनाते हैं और इस तरह कनेक्शन करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास इसकी जो ज़रूरत है, वो हमारे पास टू शेयर रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हार्डवेयर डिवाइस होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, डेटा होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, और इसी के थ्रू हमारे पास एक नेटवर्क बनता है। समझ आ रही है बात की कि वाई डू वी नीड नेटवर्क, के नेटवर्क की हमारे पास क्यों ज़रूरत है। तो टू शेयर रिसोर्स, हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, समझ आ रही है। अच्छा, तो ये सारे हम काम करेंगे तो क्या करेगा हमारे पास, टू सेव टाइम एंड मनी। जब हमारे पास इसलिए ज़रूरत है कि हम ये सारे काम करते हैं, तो इससे हमारे पास पैसों की भी बचत हो जाती है, टाइम की भी बचत हो जाती है। किस तरह, अगर आप किसी को कहते हैं कि मतलब मैं किसी को मैसेज डिलीवर करना चाहती हूँ,
आप डॉक्यूमेंट रूट करते हैं या आप मैनुअली जाते हो, तो आप क्या करते हो, पहले तो खुद को भी ज़रा तैयार करते हो, फिर जो है ना बाज़ार जाते हो, वहाँ से कोई छेंची वगैरह कोई गाड़ी फिक करते हो, उसके लिए किराया वगैरह देना होता है, फिर वहाँ पर जाना होता है, उस चीज़ जो है ना आप उसको ले जाते हो, फिर वापस भी आना होता है, तो इसका आने जाने का खर्चा या खाने पीने का खर्चा या बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे आपका बहुत खर्च आ जाता है। सही है। और एक जो है ना आपका पूरा दिन भी जो है ना आप दिन में वो काम करते हो, दिनों में करते हो, कितने टाइम में करते हो, तो एक तो आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता है। लेकिन अब नेटवर्क हम यूज़ करेंगे, तो मैंने कहा कि चंद सेकंड के अंदर आपका सारा वो मुश्किल से मुश्किल काम करता है। आप अमेरिका में बैठे होंगे, आप उसके साथ ऑनलाइन बातचीत कर सकते हैं, अपना डेटा उसको सेंड कर सकते हैं, आपका जो भी कुछ हो वो कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि हमारी ज़रूरत क्यों होती है, तो ये काम तो हम करते हैं, लेकिन ये काम जब हम इस नेटवर्क के थ्रू करेंगे तो हमारे पास ये आसान होगा और हमारे पास सेव करेगा टाइम को और मनी को भी। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब ज़रा आगे जाएंगे और नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर हम ज़रा सर्वर को डिफाइन करेंगे। नेटवर्क और इंटरनेट की जब हम बात करेंगे, इसमें हमारे पास नेटवर्क आता है, एक क्लाइंट आता है, और ये दोनों जब एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए तो इससे कुछ और भी चीज़ हम पे वो ले सकते हैं। सही है। तो पहले ज़रा सर्वर को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ ए सर्वर। तो आप इन सारे पिक्चर को देख लें। सही है। अब देख लें, हमारे पास ये सारे तीन कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, ये हमारे पास एक सर्वर है, और ये हमारे पास सर्वर है मीन एक सीपीयू है। क्लियर है। और ये हमारे पास क्या है, फ्रंटर है। अब हमने ये कंप्यूटर जो है ना कनेक्ट किया है इस सीपीयू, इस सर्वर, इसको हमने एज ए सर्वर इस कंप्यूटर को लिया है। क्लियर है। तो इसके साथ अटैच किया है, इस प्रिंटर को भी इसके साथ अटैच किया है, और ये बाकी कंप्यूटर्स को भी इसके साथ अटैच किया है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, जब ये सारे क्लियर है तो देख लें कि इस कंप्यूटर को जो कि हमारे पास, इसको हमने एक पावरफुल कंप्यूटर लिया है, इसको हमने सर्वर का नाम दिया, और ये बाकी कंप्यूटर जो है ना इससे डेटा ले रहे हैं, ये जो है ना उसको डेटा प्रोवाइड करे, तो इसको हमने एज ए क्लाइंट ले ली है। समझ आ रही बात की? तो क्या अब थोड़ा सा जरा सर्वर को डिफाइन कर लूँ, फिर आगे और चीज़ें मैं करूँगी। तो क्या करेगा सर्वर, के मैनेज करेगा द रिसोर्स ऑन ए नेटवर्क। ये सारा मैनेजमेंट करेगा, ये इसको डेटा है, डेटा इसको देता है, क्या काम करना है, ये सारा हुक्म जो है ना ये हमारे पास ये सर्वर देगा। चलो मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दूँ, लेकिन पहले आपको ज़रा ये सर्वर समझा लूँ ना। सही है। तो इस सारे नेटवर्क में हमारे पास ये सर्वर जो है ना बहुत ही मेन पावर इसकी है कि ये सारा काम करेगा, ये मतलब जो है सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जबकि ये क्लाइंट जो है ना इसका वेट करेंगे, ये जब कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा तो इन सब ने इसको करना है। अच्छा, अब ज़रा क्लाइंट क्या है, तो क्लाइंट है कि एक क्लाइंट एक्स इज द रिसोर्स ऑन द सर्वर, कि सर्वर के साथ जो हो तो ये जो कुछ भी जो भी डेटा उसको प्रोवाइड करेगा, इस क्लाइंट का काम होगा कि वो उसको एक्सेस करेगा, लेगा और उस काम को परफॉर्म करेगा। यहाँ पर सर्वर एंड क्लाइंट की मैं एक एग्जांपल दे दूँ, जिस तरह हमारे पास कॉलेज होता है, कॉलेज का अपना एक प्रिंसिपल होता है, तो जो प्रिंसिपल होता है और बाकी जो है ना सारे टीचर होते हैं, तो ये प्रिंसिपल मैं एज ए सर्वर कंसीडर कर लूँगी, और बाकी जो सारे टीचर है ये हमारे पास क्या होंगे, एज ए क्लाइंट होंगे। तो आप देख सकते हैं जो भी प्रिंसिपल हमें हिदायत देता है सारे डिपार्टमेंट को, सारे टीचर को, उस काम को उसने टीचर्स ने करना होता है। कभी आप लोग ने कहा देखा है कि कभी टीचर ने प्रिंसिपल को कोई सर्विस दिया है, कोई काम दिया है, कोई हुक्म दिया, नहीं दिया? अच्छा, सही है ना। तो कॉलेज में इस तरह होते हैं ना कि जो प्रिंसिपल है वो जो है ना टीचर्स को ड्यूटीज प्रोवाइड करती है और टीचर ने उस काम को करना होते हैं। तो यहाँ अब जो प्रिंसिपल है, ये हमारे पास ये कंप्यूटर होगा, ये जो हुक्म करेगा वो उसको काम को करेगा, सारे काम जो है ना ये प्रोवाइड करेगा, और ये इस क्लाइंट ने, इस टीचर ने इन कामों को सरंजाम देना होता है, और इस तरह ये सारा नेटवर्क चलता है। सही है। तो ये हमारे पास सर्वर एंड क्लाइंट की आई होप आपको समझ आ गई है, और मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया कि कॉलेज में प्रिंसिपल एंड टीचर्स, तो वो भी टीचर जो है ना हमारे पास एज ए क्लाइंट होते हैं, और सर्वर जो है ना हमारे पास उस जो उसका जो रोल है ये हमारे पास एक प्रिंसिपल जो है ना वो सरंजाम देती है। तो आपको इस एग्जांपल से सही तरीके से ये क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, अब ज़रा जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, और नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे क्या, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास
ओके स्टूडेंट, तो अभी जो है ना हम नेटवर्क इंटरनेट के अंदर हम अभी नेटवर्क को ज़रा डिफाइन करेंगे कि हमारे पास नेटवर्क होता क्या है, व्हाट इज़ द नेट इंटरनेट। सही है। अच्छा, तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स डेट कनेक्ट मिलियन ऑफ कंप्यूटर। आप पिक्चर से देख सकते हैं हमारे पास ग्लोबली कंप्यूटर कनेक्टेड है विद द कम्युनिकेशन डिवाइसेस। जिस तरह हमने नेटवर्क का जब डिफिनीशन किया था तो हमारे पास में क्या था कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सके, शेयरिंग कर सके, वो हमारे पास नेटवर्क होगा। अब इंटरनेट की हम ज़रा डिफिनीशन करेंगे तो इंटरनेट में इस तरह है कि हमारे पास इसमें नेटवर्क ऑफ नेटवर्क जो है ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे विद कम्युनिकेशन डिवाइसेस लिंक। जिस तरह आप देख सकते हैं कि सेटेलाइट के थ्रू, केबल के थ्रू, या हमारे पास और भी बहुत सारे जो है ना रेडियो इंटरनेट के थ्रू, या हमारे पास और भी बहुत सारे ज़रिए हैं कि जिसके थ्रू हमारे पास क्या होंगे, ये नेटवर्क एक दूसरे के साथ ग्लोबली सतह पर कनेक्टेड हो तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इंटरनेट कहलाएगा। और इस इंटरनेट के कनेक्शन में हमारे पास मिलियन ऑफ कंप्यूटर, इससे भी ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे और इस तरह कम्युनिकेशन में हिस्सा लेंगे। आप देख सकते हैं वे है ना कि हमारे पास ये ग्लोबल है एंड ये एक बराजम है, ये दूसरा है एंड ये तीसरा है, और इस तरह और भी बहुत सारे हैं। तो देख सकते हैं सेटेलाइट के थ्रू है, केबल के थ्रू, ये एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्टेड है। अच्छा, तो ये तो हमारे पास था इंटरनेट। आप ज़रा जाएंगे कि वाई डू यूज़र एक्सेस द इंटरनेट, कि क्यों यूज़र जो है ना एक्सेस करता है इंटरनेट को। तो एक हमारे पास इस वजह, इसकी एक ख़ास वजह ये भी है ना कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, राबिते के लिए वो इंटरनेट को एक्सेस करता है। दूसरा ये भी है कि वो एक्सेस करता है इंफॉर्मेशन, मीन कुछ मालूम के लिए एक दूसरे के साथ शेयर करता है, उसको हासिल करने के लिए वो करता है इंटरनेट को एक्सेस। जिस तरह हम कोई न्यू जॉब ढूंढते हैं या हम कोई न्यू कुछ देखना चाहते हैं इंटरनेट पर, सर्चिंग करते हैं, तो वो हमारे पास फिर इंटरनेट के, उसके लिए हम इंटरनेट को एक्सेस करेंगे। इसके बाद हम शॉपिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए इंटरनेट एक्सेस करते हैं। बैंकिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो इसके लिए भी हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं। और ये बहुत ही हमारे पास मुफीद है इंटरनेट, क्योंकि इससे पहले पुराने ज़माने में लोग जो है ना मैनुअली सारा कुछ करते थे, कम्युनिकेशन भी मैनुअली, वो पोस्ट ऑफिस यूज़ किया ज़्यादा था, जबकि वो सालों में, महीनों में, हफ्तों में इतना टाइम लगता था एक मैसेज के वहाँ पर डिलीवरी में, या इंफॉर्मेशन किसी से कोई मालूम लेने में बहुत हफ्ते या बहुत टाइम लगता था। इस तरह शॉपिंग भी जब करते हैं तो इसमें, शॉपिंग तो अलग बात है ना, लेकिन इसके लिए और खर्चा भी होना पड़ता है, टाइम भी कंज्यूम होता है इसमें। इसके अलावा हमारे पास है बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट होती है, हम अगर इस तरह मैनुअली कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं तो उसमें भी हमारे पास फिर बहुत ज़्यादा और चीज़ें होंगी। क्लियर है। तो अभी इंटरनेट जब आया है तो इसके थ्रू हमारे पास ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो गई, इस वजह से हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। इसके अलावा हम क्लासेस लेते हैं, आप इस क्लासेस से अपने इस ऑनलाइन क्लासेस को ले सकते हैं। जिस तरह अभी जो है ना हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और हम मैं यहाँ पर अपने घर में बैठी हूँ, आप सब मुख्तलिफ इलाकों में, जैसा मैं यहाँ अभी लाहौर में बैठी हूँ, आप लोग जो है ना कोई काटलंग के होंगे, कोई मोरदान के, कोई तख्तबाई के, कोई शेरगढ़ के, मीन के बहुत सारे दूर दूर के इलाके भी है जहाँ पर आप होंगे, लेकिन अभी इस ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं और इसी के थ्रू आप उस क्लासेस को ले रहे हैं और अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखा हुआ है। सही है ना कि पारे आप नहीं बैठे, तो एक हमारे पास ये भी फायदा है, तो इस वजह से हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंटरटेनमेंट है कि हम इंटरटेनमेंट के लिए भी कंप्यूटर को, नेटवर्क को एक्सेस करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं और इसको यूज़ कर रहे हैं। सही है। अब ज़रा आएंगे कि व्हाट इज़ द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको आप लोग शॉर्टकटली WWW कहते हैं। असल में हमारे पास होता क्या है, तो द बिलियन ऑफ कंप्यूटर, द बिलियन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड वेब पेज अवेलेबल टू एनी वन
कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इंटरनेट पर आप देख सकते हैं कि आप एक वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर उसका होम होता है, अलग अलग उसके पेजेस होते हैं, आप एक पेज से दूसरे पर जाओगे, दूसरे से तीसरे पर, तो ये हमारे पास मीन के मुख्तलिफ वेब पेजेस होती हैं। हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करेंगे तो ये हमारे पास बिलियन ऑफ डॉक्यूमेंट है जिसको हम वेब पेजेस कहते हैं हैं, तो हमारे पास अवेलेबल होती है, हम एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के साथ, तो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होती है। समझ आ रही है? अब ज़रा आप इस डायग्राम से भी, इस पिक्चर से भी ज़रा देख सकते हैं, इस ब्लॉग से क्या है कि ए वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज। एक वेबसाइट में हमारे पास क्या होते हैं, उसके जो रिलेटेड वेब पेजेस होते हैं वो होते हैं। जैसे हमारे पास कॉलेज का वेबसाइट होता है तो उसमें सारा क्या होता है, प्रिंसिपल का एक होम होता है, होम के साथ यहाँ पर एडमिशन होती है, एडमिशन के साथ हमारे पास उसका जो करिकुलम होता है, इसके साथ कॉन्टेक्स्ट होता है, इसके साथ हमारे पास ऑनलाइन जो हमारे पास उसके जो कोर्सेज होती है या डिपार्टमेंट होती है, तो सारा इसी वेबसाइट में, सारा इसी कॉलेज के रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी। इस तरह कोई एंटरटेनमेंट या और कोई आउटसाइड चीज़ आपको नहीं मिलेगा, सारा एजुकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। समझ आ रहे हैं? तो वेबसाइट में एक बात ये है कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज होनी चाहिए। ए वेब पेज कंटेंट, जो हमारे पास वेब पेज की हमने बात कर ली, तो ये वेब पेज जो है ना मुश्तमिल होगा टेक्स्ट पर भी, ग्राफिक पर भी, साउंड, वीडियो एंड लिंक्स टू अदर वेब पेज। समझ आ रही है कि इसके थ्रू हमारे पास एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट होगा और ये सारे चीज़ें हमारे पास होंगी। क्या है कि हम अगर टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, दूसरे के साथ वो कनेक्ट होंगे, ग्राफिक होगा या हम कोई लिंक होगा या ये सारी चीज़ें हमारे पास उसी वेबसाइट पर, वेब पेज पर मौजूद होंगे। समझ आ रहे हैं? अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कि यू कैन शेयर इंफॉर्मेशन बाय क्रिएटिंग वेब पेज। आप जब इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो आप लोगों ने नए नए वेब पेजेस को क्रिएट करने होते हैं, या पोस्टिंग करते हैं पुटू को या पुटू कम्युनिटी को, तो आप लोगों ने इनके लिए न्यू वेब पेजेस क्रिएट होनी करनी पड़ती है। समझ आ रही बात की? जैसे हमें आप किसी को मेल करती हो तो मैं नए न्यू क्रिएट करूँगी, मैं उसको सेंड करूँगी, फिर दूसरा किसी को करूँगी तो दोबारा न्यू करूँगी। समझ आ रही है? तो इस तरह मैं डिफरेंस पेजेस खोलूँगी और इसके थ्रू मैं इंफॉर्मेशन को शेयर करूँगी। हम सारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर आएंगे। आप लोगों को पहले तरह मैं कंप्यूटर का वो कर लूँ कि कंप्यूटर तो आपको क्लियर है ना कि हम कंप्यूटर हमारे पास एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, हमारे पास मैथमेटिकल, लॉजिकल, इस तरह बहुत सारे कैलकुलेशन करता है, जिसमें हम कुछ इनपुट करते हैं वो हमारे पास प्रोसेस होगा, वो स्टोरेज भी होगा, फिर दोबारा उसमें प्रोसेस आएगा, फिर हमारे पास उसका कोई रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हम अपडेट भी कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, इसके साथ हमारे पास ये स्टोर भी करता है, कम्युनिकेशन भी करता है, बहुत सारे काम भी हमारे पास ये कंप्यूटर करता है। लेकिन होता ही क्या, एक फिजिकल डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रॉनिक के लिए है। समझ आ रही बात की? अच्छा, और कंप्यूटर जो है ना, एक बात इसमें ये भी है कि वो जो है ना 01 में हमारे पास सारा कुछ करेगा। मेन कंप्यूटर जस्ट 01 को समझता है, जो कि हमारे पास क्या है, मशीन लैंग्वेज है, और फिर जो हम उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो वो फिर हमारे पास ट्रांसलेटर के थ्रू वो सारा कम्युनिकेशन जो है ना कन्वर्ट होता है। अच्छा, तो चलो अब ज़रा कंप्यूटर सिस्टम को, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डिफाइन करेंगे। तो कंप्यूटर तो आई होप आपको समझ आ गई है। अब सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होते हैं, एक प्रोग्राम होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, कोडिंग होती है, तो हम सॉफ्टवेयर कहेंगे। तो क्या है कि हाउ डू यू इंस्टॉल एंड रन ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कि आप लोगों को पता है सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो को ज़रूरत होती है कि हम उसको किसी ज़रिए से रन कर सके, इंस्टॉल कर सके, जैसे हम प्लेश में, मेमोरी कार्ड में या नेट से ऑनलाइन हम उसको इंस्टॉल करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं एंड इंस्टॉल करते हैं। समझ आ रही है? एंड रन करते हैं उस पर मुख्तलिफ वर्क्स। तो हम अब इसको किस तरह इंस्टॉल करते हैं एंड इसको हम किस तरह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इस पर हम रन करते हैं। तो ए प्रोग्राम इज़ ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। असल में ये प्रोग्राम हमारे पास सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, मैंने अभी कहा कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जो कि बताता है कंप्यूटर के को कि आप लोगों ने क्या करना है,
कंप्यूटर को बताता है कि आपने एक काम को क्या करना है, किस तरह करना है, ये सारी चीज़ें कौन बताता है, हमारे पास सॉफ्टवेयर बताता है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सही है। अब ज़रा इन सारे स्ट्रक्चर को मैं करूँगी। फर्स्ट स्टेप में हम आएंगे, इंसर्ट करेंगे प्रोग्राम को डिस्क में एंड टू द सी डी रोम ड्राइव प्ले है। अगर मैं कोई प्रोग्राम जो है ना कंप्यूटर में मोबाइल में इंस्टॉल करूँगी तो हमारे पास डिफरेंट मेथड है, मैं उसको फ्लैश में ले सकती हूँ, मेमोरी कार्ड में ले सकती हूँ या हमारे पास सी डी रोम में, इसमें मैं डालूँगी, उसको मैं इंटर करूँगी सिस्टम में, वो हमारे पास अच्छा। मैं थोड़ा सा ज़रा यहाँ पर आपको अभी करूँगी कि आप जो है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास होता है क्या है और ये किस तरह काम करता है। हमने कहा ना कि प्रोग्राम जो है ना जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना क्या करेगा, प्रोग्राम डेट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर एंड डिवाइस, मीन इसके सारे ऑपरेशन होते हैं या इसके जो सारे डिवाइस होते हैं उस सारे को कंट्रोल करता है। तो आप ज़रा देख लें किस तरह मैं यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अभी एक ब्लॉग डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी कि ये असल में हमारे पास किस तरह इस सारे कामों को ऑपरेशन को परफॉर्म भी करता है, कंट्रोल भी करता है और सारे डिवाइस को भी ये कंट्रोल करता है। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पर मैं जो है ना आपके लिए एक ब्लॉक डायग्राम बनाने जा रही हूँ। आपको आई होप इस ब्लॉक डायग्राम से ये क्लियर हो जाएगा कि असल में किस तरह हमारे पास जो है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर इस सारे कामों को, इस सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है एंड सारे डिवाइस को भी कंट्रोल करता है। क्लियर है? अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास इनपुट है, अच्छा ये इनपुट हो गया, ये हमारे पास है सीपीयू या जिसको आप लोग प्रोसेस भी कहते हैं, समझ आ रही है, सीपीयू या प्रोसेस। अब हमारे पास ये है, ये आउटपुट है, अच्छा ये है ना, ये हमारे पास इनपुट सीपीयू यहाँ पर हमारे पास है प्रोसेस है और ये हमारे पास क्या हो गया, स्टोरेज हो गया कि मीन हम इसके थ्रू क्या करेंगे, डेटा जो है ना उसको स्टोर करेंगे, यहाँ पर हमारे पास इसको हम स्टोर करेंगे। अच्छा तो अच्छा समझ आ रही है। अब ज़रा देखिए, हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को स्टडी कर रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने कहा कि ये हमारे सारे कंट्रोल करता है, सारे ऑपरेशन जो कंप्यूटर के होते हैं ये हमारे पास और इनके जो डिवाइस होते हैं, सारे ऑपरेशन मीन हमारे पास बेसिकली ये ऑपरेशन होते हैं, इसके अंदर सारे और चीज़ें भी होती हैं, तो ये क्या करेगा, इसको भी कंट्रोल करेगा और इसके जो डिवाइसेस है, डिवाइसेस मीन के इनपुट डिवाइस हो गए, प्रोसेस के जो डिवाइसेस हो गए, सीपीयू के जो डिवाइसेस हो गए या हमारे पास आउटपुट के जो डिवाइसेस हैं या हमारे पास स्टोरेज के जो डिवाइसेस हैं या इनके अंदर और बहुत सारे डिवाइस है, तो इन सारों को ये कंट्रोल करता है और ये कौन कंट्रोल करता है, ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। मीन ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा, हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये हमारे पास इसकी वो हुक्मरानी होगी, उस वो अलाउ करेगा कि यहाँ पर हम कुछ इनपुट करते हैं तो ये अलाउ करेगा क्या, इस चीज़ को वो इनपुट करता है नहीं करता, इसको वो कन्वर्ट करने का काम या यहाँ पर सारा प्रोसेस का काम जो है ना, यहाँ पर कुछ जो है ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रही है, आर्टोलॉजिकल कुछ कुछ हो रही है या कुछ टेम्पररी स्टोर हो रहा है या हमारे पास कुछ जो है ना सेकेंडरी पर मेन परमानेंट कुछ स्टोर हो रहा है, सही है। यहाँ इसके अलावा हमारे पास जो आउटपुट रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है या किस पाम में हो रहा है, इसका डिस्प्ले करना या ना करना, सारा जो ये प्रोसेस है, सारा जो ये ऑपरेशन है, ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर सरंजाम देता है और सारे ये जो डिवाइसेस है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बाज़ औक़ात आपके कुछ डिवाइसेस जो है ना आपके सिस्टम सपोर्ट नहीं करते, तो असल में ये हमारे पास ये उनको अलाउ नहीं करेगा, समझ आ रही बात की, कि मीन कि हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आप कहते हैं ये उसको अलाउ नहीं करता, तो हम कहते हैं कि मीन इसमें हमारे पास कुछ खराबी है या इसको सपोर्ट नहीं करता। क्लियर है ना, बास कंप्यूटर जो है
मास विंडो जो है ना, हम उसमें कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो मीन के वो हमारे पास उसको इंस्टॉल नहीं होने देता। तो मीन इसमें क्या है कि ये हमारे पास मीन के ये कंट्रोल करता है ना इसके ऑपरेशन और इसके डिवाइसेस को, तो ये उनको अलाउ नहीं करता। अच्छा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास, अब बात कर रहे हैं हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है और उसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप कहेंगे कि इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम डेट कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज़ अमॉन कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर के हमारे पास ये है कि इन हार्डवेयर के दरमियान के इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड सीपीयू के अंदर हमारे पास प्रोसेस के अंदर सारे जो डिवाइस हैं सिस्टम यूनिट के, ये सारे को जो कंट्रोल करता है कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर क्या है के डिवाइस एंड अलाउ यूज़र टू रन एप्लीकेशन प्रोग्राम। और इसकी वजह से हमारे पास यहाँ जो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं कि यहाँ पर हम जो है ना व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पर हम एम एस ऑफिस इंस्टॉल करते हैं, कोई गेम इंस्टॉल करते हैं, कोई भी हमारे पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो तो वो हमें जो अलाउ करेगा हमारे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। समझ आ रही है? अगर बाज़ अवकात हमारे पास कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते जो सिस्टम अलाउ नहीं करता तो इसकी ये वजह होती है। फिर यूटिलिटी प्रोग्राम पर आएंगे कि अलाउ करेगा यूज़र टू परफॉर्म मेंटेनेंस टाइप टास्क, जो हम मेंटेनेंस की तरह जो किस्म के जो टास्क होते हैं उसको जो परफॉर्म करने वाला होते हैं हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम करता है यूजुअली, जिसको रिलेटेड होते हैं मैनेजिंग करता है एक कंप्यूटर के साथ और ये इस डिवाइस या इसके जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, तो आई होप ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो कि सिस्टम को चलाता है, सिस्टम को कोऑर्डिनेट करता है, सिस्टम के सारे ऑपरेशन और इसके सारे डिवाइस को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। सही? तो स्टूडेंट आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें जो है ना क्लियर हो चुकी होगी। अब ज़रा आएंगे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर कि हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो प्रोग्राम डेट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क पर यूज़र, जो हमारे पास एक यूज़र होते हैं इसके लिए जो स्पेसिफिक टास्क जो है ना वो परफॉर्म करता है। जब हमारे पास हमने कहा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना क्या करेगा, सारे सिस्टम के डिवाइस को सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब हम इसमें इंस्टॉल करेंगे तो ये भी हम अगर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो तभी इसको हम इंस्टॉल करेंगे, अगर वो नहीं है तो मीन फिर कुछ भी नहीं। आपको तो पता है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि मीन हमारे पूरे सिस्टम को ये कंट्रोल करता है और ये इसकी वजह से कंप्यूटर तो आपको पास एक फिजिकल डिवाइस है बजाय बगैर जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के उसका कोई भी काम नहीं, मीन वो कुछ भी नहीं कर सकता। समझ आ रहे हैं? तो प्रोग्राम हमारे पास स्पेसिफिक टास्क को यूज़र के लिए परफॉर्म करेगा। इसके जो हमारे पास साउट है क्या क्या है कि पॉपुलर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो कि बंडल टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट है, जिस तरह वर्ड प्रोसेसिंग हो गया या डेटाबेस हो गया या स्प्रेडशीट हो गया, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स हो गया, तो ये तो हमारे पास सारे थे क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो मीन हम इस स्पेसिफिक काम के लिए परफॉर्म करते हैं। अगर हम कोई डॉक्यूमेंटेशन कुछ करते हैं या कोई डेटाबेस के रिलेटेड कुछ स्टोरिंग कुछ करते हैं या स्प्रेडशीट में कोई एक्सेल कैलकुलेशन वाला कोई मार्क्स वाला एंटर करते हैं या हम कोई प्रेजेंटेशन कुछ बनाते हैं तो हम इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। अगर ज़रूरत नहीं होती तो मीन इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, अब ज़रा आएंगे हमारे पास प्रोग्रामर पर कि व्हाट इज़ ए प्रोग्रामर। प्रोग्रामर पर आने से पहले आप लोगों को ये प्रोग्राम क्लियर होना चाहिए कि प्रोग्राम होता क्या है। पिछले हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, एक प्रोग्राम होता है, उसी प्रोग्राम को, उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, उसी कोड को जो करने वाला शख्स होता है उसको हम क्या कहेंगे? प्रोग्रामर। सही है? तो अब ज़रा इसकी सही डिफिनीशन करेंगे कि समवन हु डेवलप एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कोई जो है ना हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाता है या हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाता है, मीन इसके बैक पर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बैक पर या सिस्टम सॉफ्टवेयर के बैक पर जो कोई कोडिंग वगैरह करता है उसी को हम क्या कहेंगे? हमारे पास वो क्या कहलाएगा? वो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन वो हमारे पास प्रोग्राम कहलाएगा। अब आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर नहीं है, थोड़ी सी मैं ज़रा आपको ये समझा दूँ कि हमारे पास एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर के बैक पर किस तरह कोडिंग होती है और किस तरह उसको प्रोग्राम कहते हैं। तो और प्रोग्राम की तो समझ आ गए ना कि जो शख्स हमारे पास ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या सिस्टम सॉफ्टवेयर हो इसके बैक पर जो कोडिंग करता है तो कोडिंग किस तरह होती है, मैं आपको थोड़ा सा ये समझाती हूँ। सही है? किस तरह? अब मैं थोड़ा सा ज़रा इसको मिनिमाइज करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पर ये क्या कर लिया, मैंने डेस्कटॉप पर ये माउस रख लिया, मैं राइट क्लिक करूँगी
डिस्प्ले है, मैं राइट जब क्लिक करूँगी तो यहाँ पर मैं आऊँगी। अच्छा यहाँ पर मैं आऊँगी, देख लें थोड़ा सा मैं ज़रा गूगल का आपको वो करवाती हूँ, सही है कि गूगल का हमारे पास इसके बैक पर क्या कोडिंग है। हम उस कोडिंग की प्रोग्रामर की बात कर रहे हैं तो उसको मैं समझाने के लिए आपके पास वो कर रही हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है कि हम देखते हैं आपको तो सामने ये गूगल नज़र आता है, इस तरह हम डिफरेंस हमारे पास पेजेस नज़र आ रही है, लेकिन इसके बैक पर हमारे पास कौन सी कोडिंग है कि इस प्रोग्रामर ने उस कोडिंग की है आपके पास इस तरह ये वो जो है ना गूगल सामने आ रहा है, इसके जो वेब पेजेस आ रहे हैं, इस वेब ब्राउज़र सारी चीज़ें नज़र आ रही है, समझ आ रही है। तो आप देख सकते हैं आप लोगों ने व्यू पेज सोर्स, हम इस पेज के उसके कोड पर जाएंगे, सही है। तो अब हम जो कोड की बात कर रहे हैं, समझ आ रही है ना, हम सॉफ्टवेयर अच्छा अब ज़रा आएंगे हैंड हेल्ड कंप्यूटर पर, जो कि व्हाट इज़ ए टैबलेट कंप्यूटर, टैबलेट पीसी हमारे पास क्या होते हैं, सही है। तो रिजेंबल कहते हैं ए लेटर साइज स्लेट अलाउ यू टू राइट ऑन द स्क्रीन यूजिंग एस स्टाइलस, मीन आप उस स्क्रीन पर ही राइटिंग सब कुछ कर सकते हैं। जिस हमारे पास इसके जो PDA होता है या मोबाइल होता है उसकी स्क्रीन पर हम सारे कुछ राइटिंग वगैरह करते हैं ना। अच्छा और स्मॉलर वर्जन होता है एज द मॉड्यूलर मॉड्यूलर कंप्यूटर के, व्हाट आर वेब एनेबल हैंड हेल्ड कंप्यूटर हमारे पास के होते हैं, जो कि वेब एनेबल हैंड हेल्ड कंप्यूटर होते हैं तो अलाउ करता है आपको कि चेक कर सके आप उसके थ्रू ईमेल को या एक्सेस कर ले इंटरनेट को, या वेब एनेबल टेलीफोन एज ए स्मार्टफोन, जिस तरह अभी हमारे पास जो स्मार्टफोन होते हैं एंड्रॉयड वाले के जो फोन होते हैं के है ना, तो जिस तरह क्यू मोबाइल होते हैं या नोकिया होते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के, तो ये सारे हमारे पास वेब एनेबल हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स में आते हैं। और टैबलेट मीन जो कि हमारे पास स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, जिस तरह PDA होते हैं, सही है। अच्छा इसके बाद ज़रा आगे जाएंगे और आगे जो है हमारे पास हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स में आपको रिकॉग्नाइज भी करूँगी, हमारे पास ये हैं, क्लियर है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि व्हाट इज़ ए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसको मैंने अभी कहा कि PDA होता है, सही है। अच्छा PDA होता है जो प्रोवाइड करता है पर्सनल ऑर्गेनाइजर फंक्शन को, जो क्या कहता है कैलेंडर, इसके थ्रू हम कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक होता है, एड्रेस बुक होता है, कैलेंडर होता है, नोटपैड होता है, ये सारे हमारे पास ये क्लियर है हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स में आते हैं। PDA ये सामने आपको जो स्क्रीन नज़र आ रही, छोटे होते एक हथेली में भी ये आ सकते हैं। इसके बाद ज़रा सर्वर पर आएंगे, सर्वर में भी हमारे पास जो सुपर होते हैं कि व्हाट टाइप्स ऑफ सर्वर आर देयर, तो आप देख सकते हैं इस सर्वर को देख के या इसको देख ले, मीन कितने कितनी ज़्यादा बड़ी जगह इसने घेर ली है, तो मीन ये सुपर होते हैं बहुत ही साइज़ के लिहाज से, स्टोरेज के लिहाज से, पावर के लिहाज से, इस तरह इसके हमारे पास कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। तो कोई हमारे पास जो मिड रेंज सर्वर होते हैं ये पावरफुल होते हैं, लार्ज कंप्यूटर होते हैं, डेट सपोर्ट अप टू ए फ्यू थाउजेंड कंप्यूटर को ये सपोर्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास मेन फ्रेम की बात करेगी, हमारे पास बहुत ही पावरफुल होता है, एक्सपेंसिव होता है कंप्यूटर होते हैं, डेट सपोर्ट करता है थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर को। इसके बाद हमारे पास सुपर कंप्यूटर होगा कि ये हमारे पास बहुत ही फास्टेस्ट है, मोस्ट पावरफुल है एंड मोस्ट एक्सपेंसिव है कंप्यूटर, और यूज़ करते हैं हम क्या एप्लीकेशन यूज़ करते हैं फॉर एप्लीकेशन के लिए, रिक्वायरिंग के लिए, कम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इसको हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं। अब समझ आ गए, ये तो हमारे पास डिफरेंट सर्वर थे और जो कि हमारे पास सुपर थे, मीन बहुत ही पावरफुल थे हल लिहाज से। अब ज़रा एलिमेंट ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ेंगे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो इनके बेसिक हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए कि हम एक इंफॉर्मेशन सिस्टम कर सकेंगे। अच्छा व्हाट आर द इंफॉर्मेशन सिस्टम एलिमेंट, तो वन इज़ हमारे पास पीपल होनी चाहिए, हैं अब जैसा हम एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन जो है ना शेयरिंग कर रहे हैं, तो अब हमारे पास हम मतलब जो लोग होने चाहिए, पीपल होने चाहिए, प्रोसीजर एक तरीका होने चाहिए, डेटा होने चाहिए, सॉफ्टवेयर होने चाहिए एंड हार्डवेयर कोई कंपोनेंट कोई डिवाइसेस होने चाहिए। अब किस स्टेप के थ्रू किस तरह काम करता है आप ज़रा यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में है कि पीपल डिवेलप प्रोसीजर फॉर प्रोसेसिंग डेटा, कि लोगों ने एक तरीके को वो लेना है कि किस तरीके से वो जो है ना अपना सारा इंफॉर्मेशन जो है ना एक दूसरे के साथ शेयर करेगा। सेकेंड स्टेप है कि पीपल यूज़ सॉफ्टवेयर टू एंटर डेटा एंड टू कंप्यूटर हार्डवेयर, कि किस तरीके से वो डेटा जो है ना
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में वो एंटर करेगा। और थर्ड स्टेप हमारे पास ये कि सॉफ्टवेयर जो है ना प्रोसेस करेगा डेटा को या डायरेक्ट करेगा हार्डवेयर के साथ और स्टोर करेगा या आउटपुट हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन आएगा। तो ये सारा प्रोसेस हमारे पास इस तरह इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाएगा और यही एलिमेंट हम इसमें यूज़ करेंगे। अच्छा इसका थोड़ा सा मैं ज़रा सिंपल एग्जांपल आपको ये भी दे दी। हाँ अभी हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो इसमें भी हमारे पास एक इंफॉर्मेशन सिस्टम था है ना कि जिसमें भी हम मुख्तलिफ डिवाइस हार्डवेयर को यूज़ करें सॉफ्टवेयर यूज़ करें। हार्डवेयर हमारे पास अब आपके साथ मोबाइल होता है लैपटॉप होते हैं मेरे पास में मोबाइल लैपटॉप होते हैं तो ये हमारे पास एक हार्डवेयर होगा। सॉफ्टवेयर होनी चाहिए कि हम किस सॉफ्टवेयर के थ्रू किस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये सारा कुछ कर रहे हैं जो अभी जो हम कर रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू कर रहे हैं या जूम या मीट के थ्रू किसके थ्रू हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। हम जो है ना कुछ डेटा कुछ इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे एक तरीका होना चाहिए हमारे पास वो तरीका क्या कौन क्या होगा और जो लोग होंगे वो हमारे पास अभी मैं एक टीचर्स हूँ आप सारे मुझे मेरे स्टूडेंट हैं तो ये सारे मेरे पास हैं तो हम एक क्लास को सही तरीके से ले सकेंगे और इसी तरीके से हम इस काम को करेंगे। अच्छा तो अब ज़रा नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे और नेक्स्ट स्लाइड पर है हमारे पास के एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर यूसेज। अब हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो इसके हमारे पास एग्जाम्पल क्या है कि आया हमारे पास वो कौन सी फील्ड्स हैं जहाँ पर हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो क्या है कि व्हाट आर द फाइव कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर यूज़र। हमारे पास कुछ कैटेगरीज हो गए कि ये जो कैटेगरीज है ना इसके अंदर और भी हमारे पास ये यूज़ हो रहा है लेकिन जो मेन है उसकी मैंने यहाँ पर वो किया है। आप देख सकते हैं कि होम में हम कंप्यूटर को यूज़ करें तो एक तो घर वाले सारे जो है ना कंप्यूटर के यूज़र हो गए एक कैटेगरीज हमारे पास हो गए। दूसरा हमारे पास क्या है कि स्मॉल ऑफिस होते हैं या होम ऑफिस होता है या ऐसा हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ जगहों पर जो ऑफिसेस होते हैं इसके थ्रू हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो एक तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो मोबाइल होता है मोबाइल में जो मोबिलिटी होती है हम मूवमेंट करते हैं एक दूसरे के साथ वो जो मूवमेंट के दौरान में हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं मोबाइल के थ्रू लैपटॉप के थ्रू किसी के ज़रिए भी समझ आ रही है। अब इसके बाद हमारे पास जो लार्ज बिजनेस है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा बड़ा बिजनेस जो चला रहे हैं और उसके लिए हम कंप्यूटर यूज़ करें तो एक हमारे पास कंप्यूटर का जो यूज़र है ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस हो गए समझ आ रहे हैं। अच्छा और इसके बाद हमारे पास जो है ना एक बड़े बड़े पावरफुल कामों के लिए भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं इसके जो हमारे पास हमारे मुल्क की डिफेंस के लिए या बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए कारखानों के लिए या हम जो कोई एटम बम बनाते हैं या हमारे पास डिफेंस के रिलेटेड जो हम एटम बम बनाते हैं या हमारे पास जो एटमी कोई सामान वगैरह बनाए जाते हैं ठीक है या बड़े रिसर्च के लिए या हलाई तहकीक के लिए इस तरह हम बड़े बड़े या मौसमियात की तहकीकात के लिए हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं हमारे पास तो एक ये हमारे पास कंप्यूटर का यूज़र होगा। अब ज़रा इसमें आएंगे कि व्हाट सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल फॉर होम यूज़र। अब घर में हम कंप्यूटर को यूज़ करें हम घर में कंप्यूटर का यूज़र है लेकिन यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे कि जब हम घर में बैठे होंगे और हम कंप्यूटर को यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या है कि हम वेब को एक्सेस करेंगे मीन इंटरनेट इसके थ्रू वो करेंगे घर में बैठकर इंटरनेट करेंगे इंटरटेनमेंट कुछ करेंगे इंटरटेनमेंट हमारे पास एक वो हो गया घर में हम बैठेंगे मतलब इंटरटेनमेंट हम वो करेंगे। इसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन होगा एक दूसरे के साथ जो बहुत ही दूर हो एक दूसरे से इसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करेंगे घर में बैठे हुए और इसके अलावा हमारे पास पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट अगर हमारे पास कोई पर्सनल फाइनेंस कोई मैनेजमेंट कुछ हो तो वो काम भी हम इसमें कर सकते हैं। क्लियर ये तो हमारे पास घर में इस्तेमाल था कंप्यूटर का। इसके बाद है कि व्हाट सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल फॉर ए स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस सो हो यूज़र कि अब हमारे पास ऑफिस में कौन से सॉफ्टवेयर हमारे पास होनी चाहिए और किस काम के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं इसे तो जैसे हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क हो जिसको हम लैन कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो लोकल एरिया मीन जो वाईफाई हो गया या हमारे पास जो छोटे पैमाने पर जो कनेक्टिविटी के लिए जो सॉफ्टवेयर हो यूज़ की जाती है। इसके अलावा हमारे पास है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हो गए प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर मीन कि हमारे पास जो एम एस वर्ड हो गया एम एस ऑफिस एम एस एक्सेल इनमें हम अपने सिंपल काम करते हैं या आप लोग एंटीवायरस यूज़ करते हैं या आप लोग जो है ना सॉन्ग वगैरह प्ले करते हो या आप लोग गेम खेलते हो आप लोग कोई टाइपिंग करते हो कुछ भी करते हो तो उनके लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर यूज़ की होती है। अच्छा इसके अलावा हमारे पास है
स्पेशली सॉफ्टवेयर जिसको हम स्पेशल कामों के लिए यूज़ करते हैं, वेब यूसेज का मीन कि यहाँ पर भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। आपको पता है ना, इंटरनेट घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, सब जगह पर हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं। वेब यूज ये हो गए, और ईमेल करते हैं मीन क्या, एक दूसरे के साथ मेलिंग करते हैं, मैसेज एक दूसरे को सेंड करते हैं। समझ आ रही है बात की? अच्छा, इसके बाद सर जाएंगे कि व्हाट इज़ अवेलेबल फॉर ए मोबाइल यूज़र, कि मोबाइल यूज़र के हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं होनी चाहिए। तो एक हमारे पास उसके लिए हार्डवेयर होना चाहिए, एक हमारे पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। क्लियर है? हार्डवेयर हमारे पास कोई भी मोबाइल होना चाहिए, कोई भी लैपटॉप, कोई भी कंप्यूटर होना चाहिए। क्लियर है? अब इसके बाद जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या है कि प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर के सॉफ्टवेयर कुछ भी हो तो ये होनी चाहिए। अब ज़रा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये फीमेल है, ये हमारे पास नोटबुक कंप्यूटर को यूज़ कर रही है। क्लियर है? यहाँ पर ये जो है ना मोबाइल को यूज़ कर रहा है, ये जो है ना हमारे पास हैंड हेल्ड कंप्यूटर मीन PDA को यूज़ कर रहा है, और इस तरह ये जो है ना अच्छा अब ज़रा आएंगे कंप्यूटर के यूसेज में कि व्हाट आर द नीड ऑफ द लार्ज बिजनेस यूज़र, के बड़े बड़े जो बिज़नेस होते हैं उनके जो यूज़र होते हैं उनको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है कि वो जो है ना कंप्यूटर को वहाँ पर यूज़ करें। तो उनके लिए एक तो वेब एक्सेस वो होती है, ज़रूरत होती है कि वो वेब एक्सेस करता है, उसके लिए उसको यूज़ करते हैं। पब्लिक के उसको यूज़ करते हैं, इसके लिए काम यूज़ करते हैं। टेली कम्युनिकेटिंग एक दूसरे के साथ करते हैं, नेटवर्किंग बनाते हैं, या प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर करते हैं, कोई भी स्केजलिंग वगैरह करते हैं, शेड्यूल वगैरह बनाते हैं, तो उनके लिए वो कंप्यूटर को यूज़ करता है। समझ आ रही है? तो वो भी हमारे पास लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े जगहों पर, और उसका जो इस्तेमाल है हमारे पास ये है। अच्छा, इसके बाद ज़रा आगे जाएंगे, और आगे जो है हमारे पास है कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ ए फॉर यूज़र, जो बड़े बड़े सेंसिटिव कामों के लिए कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी हमारे पास क्या ज़रूरत होती है, और उसके लिए हम क्या मतलब क्यों इसको यूज़ करें, और क्या क्या चीज़। तो स्पीड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज हम करते हैं, तो ये ना कि उनको हमारे पास एक स्पीड चाहिए होता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज होनी चाहिए। तो इस वजह से कंप्यूटर में तो ये सारे खूबियाँ हैं, इस वजह से वो जो है ना कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। पावरफुल जो है ना पावरफुल मकासद के लिए उसको यूज़ करता है, और जो हमारे पास पावरफुल यूज़र है उसके जो टाइप्स होते हैं, हमारे पास उसमें इंजीनियरिंग आती है, आर्किटेक्चर होते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशर होते हैं, ग्राफिक आर्टिस्ट होते हैं। तो ये हमारे पास ऐसे पावरफुल वर्किंग एरिया है जहाँ पर हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। इंजीनियरिंग जैसा अपने लिए कोई डिज़ाइनिंग करते हैं, मैप बनाते हैं, कोई पुल वगैरह बनाते हैं, या बिल्डिंग बनाते हैं, या डैम बनाते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक या सेंसिटिव कामों के लिए वो यूज़ करते हैं। आर्किटेक्चर की मैं बात कर लूँ, या डेस्कटॉप की, पब्लिशर की, या ग्राफिक आर्टिस्ट की, तो इन स्पेशल कामों के लिए वो कंप्यूटर को यूज़ करता है। अब जरा आएंगे हम कंप्यूटर के यूसेज को, एप्लीकेशन को, एंड सोसाइटी में, कि हमारे सोसाइटी में कंप्यूटर कहाँ पर यूज़ हो रहा है, किन किन कामों के लिए यूज़ हो रहा है। तो व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन सोसाइटी में, हम इसको कहाँ कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम एजुकेशन में यूज़ करते हैं, फाइनेंस में, डेवलपमेंट में, हेल्थ केयर में, साइंस में, पॉपुलेशन में, ट्रेवल में, एंड इंडस्ट्री में। एजुकेशन में आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप जो है ना फाइनेंस में जो है ना वो जिस तरह आप लोग अपनी माली हालात का, जिस हमारे पास कराची एक्सचेंज होता है कि हमारे मुल्क में आज कितने वो मंडी रही, या कितने चीज़ें बेच दी गई, या कितने खरीदी गई, मतलब कितनी खरीद फरोख हो गई, या गवर्नमेंट जो है ना आप बड़े बड़े अहम कामों के लिए यूज़ करते हैं। हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स में मरीजों का जो ऑपरेशन किए जाते हैं, या उनके जो जो हमारे पास उनके लिए जो रिकॉर्ड रखते हैं कि कितने पेशेंट आ गए, कितने को एडमिट कर लिया, कितने को डिस्चार्ज कर लिया। इसके अलावा साइंस में मुख्तलिफ तजुर्बात के लिए, रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं, पब्लिशिंग के लिए, अखबारात के लिए, या हम दूसरे कोई पब्लिशिंग वगैरह करते हैं उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। सफ़र में भी हमारे पास जो रास्तों का हमें जो रास्ते बताते हैं, इसके अलावा हम और कामों के लिए भी यूज़ करते हैं। एंड इंडस्ट्री में भी बड़े बड़े मशीनों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं हमारे पास एक कारखाना है जिसमें बड़े बड़े मशीनरी और ये सारी चीज़ें यूज़ की जा रही है। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की ये वीडियो समझ आ गया होगा, आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा।
आज की इस वीडियो में मैंने सारा वो खुलासा कर लिया कि इसी एक वीडियो से आपको सारा इंट्रोडक्शन, उसके रिलेटेड सारा जो बेसिक था वो आपको मिल जाए। तो होप आप सबको समझ आ गया है। तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले एंड शेयर कर ले, और कमेंट्स भी मस्ट कर ले कि आपको आज की ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की जो समरी है वो कैसे लगी। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।